तालियां बजती रहें। हाशिम फिरोजाबादी जी, तालियां बजती रहें। मैं आग्रह करूंगा बहन रजनी अवनी से कि वो मंच पे आए और आदरणीय चेयरमैन साहब और आदरणीय ईओ साहब उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। और ईशा कौशिक जी, आदरणीय चेयरमैन साहब से और आदरणीय ईओ साहब से आग्रह करूंगा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। तालियां बजती रहें। मैं आदरणीय बहन दानिश गजल जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और आदरणीय ईओ साहब से तथा आदरणीय चेयरमैन साहब से मैं आग्रह करूंगा कि उन्हें सम्मानित करें, पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। तालियां बजती रहें। मैं बहन मोनिका देहलवी जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए। ये ईशा कौशिक जी हैं जो चेयरमैन साहब की सुपुत्री भी हैं, उनके हाथों सम्मानित किया जा रहा है। तालियां बजती रहें। गौरवमयी क्षण। और देश भर में ख्याति मचाने के अलावा विदेशों में भी ख्याति मचाने वाली शायरा बहन ममता नसीम जी यहाँ पधार चुकी हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो मंच पे आएं और मैं आग्रह करूँगा कि उन्हें सम्मानित किया जाए। तालियां बजती रहें। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आज फिर मवाना की सरजमीन पर मेरी हाजिरी। बारहा आती हूँ मैं आपके दयार में और आप मुझे ढेर सारी दुआओं से नवाजते हैं। आज की डाइस पर जलवा फरोज मेरे बड़े भाई हाशिम फिरोजाबादी साहब तशरीफ़ फरमा है, बड़ी बहन मुमताज़ नसीम साहिबा तशरीफ़ फरमा है, मोनिका अवनी रजनी साहिबा तशरीफ़ फरमा है, मुनीस भाई का हुक्म होता है और मेरी हाजिरी होती है। बहुत ही खूबसूरत ये महफिल। अखिल कुमार कौशिक साहब आपको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। चार मिसरे पेश करती हूँ बिल्कुल ताज़ा, मैं पढ़ती हूँ उसके बाद एक कौमी गीत का मुझे हुक्म हुआ है, मैं पेश वी चंद्रयान। माशाल्लाह हमारा तिरंगा चांद तक पे पहुंच गया है। चार मिसरे उसी हवाले से पढ़ना चाहती हूँ, आप सभी की दुआएं और आशीर्वाद चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के इजाजत दीजिए, मैं पेश करती हूँ। ठाना था दिल में हमने सो करके दिखा दिया, ठाना था हमने दिल में सो करके दिखा दिया, हिंदुस्तान क्या है ये सबको बता दिया। देखिए थोड़ा सा बेदारी चाहती हूँ, थोड़ा सा आप जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, पेश करती हूँ। ठाना था दिल में हमने सो करके दिखा दिया, हिंदुस्तान क्या है ये सबको बता दिया, माथे पे तेरे हमने लगा के तिरंगा, माथे पे तेरे हमने लगा के ये तिरंगा, ए चांद हमने तेरा मुकद्दर जगा दिया, ए चांद हमने तेरा। बहुत आशीर्वाद, बहुत दुआएं और चार मिसरे और पेश करती हूँ, सुने। फुला इंजीनियर की या सियासतदान की बेटी हूँ मैं, हरगिज़ ये नहीं कहती के तुर्रम खां की बेटी हूँ, मैं हरगिज़ ये नहीं कहती के तुर्रम खां की बेटी हूँ, मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ मगर सच है यही दानिश, मैं खुद पर गर्व करती हूँ कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं खुद पर। बहुत बहुत शुक्रिया दुआएं। और एक कौमी गीत का मुझे हुक्म हुआ है,
मैं पेश करती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत और यकजहती का नारा अपना नारा है, मोहब्बत और यकजहती का नारा अपना नारा है। ये हिंदुस्तान हमारा था, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा था, ये हिंदुस्तान हमारा है। और बन समाप्त कीजिए। ये धरती बिस्मिलो अशफाक के ख्वाबों की जन्नत है, ये धरती बिस्मिलो अशफाक के ख्वाबों की जन्नत है। भगत सिंह और टीपू के लहू की इसमें रंगत है, भगत सिंह और टीपू के लहू की इसमें रंगत है। यही गंगा की धारा है, यही जमुना की धारा है, यही गंगा की धारा है, यही जमुना की धारा है। ये हिंदुस्तान हमारा था, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा था, ये हिंदुस्तान हमारा है। और ये भी बंद। यहाँ गांधी का हर बलिदान ये आवाज देता है, यहाँ गांधी का हर बलिदान ये आवाज देता है। यहाँ अम्बेडकर का संविधान आला वो बाला है, इसी की रोशनी ने जिंदगानी को संवारा है, इसी की रोशनी ने जिंदगानी को संवारा है। ये हिंदुस्तान हमारा था, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा था, ये हिंदुस्तान हमारा है। और ये भी बन समाप्त करें। हमीदो हसरतो उस्मान की इसमें है कुर्बानी, हमीदो हसरतो उस्मान की इसमें है कुर्बानी। शिवाजी और गुरु गोविंद टैगोरो महारानी, शिवाजी और गुरु गोविंद टैगोरो महारानी। कोई सूरज है कोई चांद है और कोई तारा है, कोई सूरज है कोई चांद है और कोई तारा है। ये हिंदुस्तान हमारा था, ये हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मेरा ताल्लुक मेरठ से है, मैं तो मकामी हूँ, लेकिन हमारे जो सीनियर और बहुत मेहमान शायर और शायरात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उनका ये मकाम नहीं है, और मैं सिर्फ थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और हमारे अभी जो मेहमान शोरा नहीं आए हैं, तब तक मैं आपके बीच रहूँगी और एक गज़ल का मतला चंद शेर पेश करती, मतला चंद शेर पेश करती हूँ तहत में। लबों को फूल तो चेहरे को आईना कहना, लबों को फूल तो चेहरे को आईना कहना, कि जीता जागता उसको मुजस्समा कहना। लबों को फूल तो चेहरे को आईना कहना, कि जीता जागता उसको मुजस्समा कहना। और शेर देखिएगे, मोहब्बतों में रियाकारियां पसंद नहीं, मोहब्बतों में रियाकारियां पसंद नहीं, कि जो भी कहना है बेखौफ बरमला कहना, कि जो भी कहना है बेखौफ बरमला कहना। लबों को फूल तो चेहरे को आईना कहना। और ये शेर देखिए, आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ। मुझे तो अपनी वफाओं का पास रखना है, मुझे तो अपनी वफाओं का पास रखना है, कि मेरे सामने उसको न बेवफा कहना। मुझे तो अपनी वफाओं का पास रखना है,
कि मेरे सामने उसको न बेवफा कहना। और जो पीछे हजरत तशरीफ फरमाए, थोड़ी दुआएं चाहती हूँ आपसे भी कि लो आज उसने बना ही दिया मुझे पागल, लो आज उसने बना ही दिया मुझे पागल, अगर कहीं वो मिले उसको मरहबा कहना। बहुत शुक्रिया। लो आज उसने बना ही दिया मुझे पागल, अगर कहीं वो मिले उसको मरहबा कहना। और शेर देखिए, सलाहियत ही न हो जिसमें कुछ समात की, सलाहियत ही न हो जिसमें कुछ समात की, अब ऐसे शख्स से क्या दिल का मुद्दा कहना। अब ऐसे शख्स से क्या दिल का मुद्दा कहना। और एक मतला था शेर, इन सर फिरी हवाओं को बादे सबा, इन सर फिरी हवाओं को बादे सबा कहूं, कैसे लहू के रंग को रंगे हिला कहूं, इन सर फिरी हवाओं को बादे सबा कहूं, कैसे लहू के रंग को रंगे हिना कहूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने समझ लिया बहुत है। एक बार तालियां बजा दीजिए आप। इन संखरी हवाओं को बादे सबा कहूं, कैसे लहू के रंग को रंगे हिना कहूं। और ये शेर देखिए, इस दिल ने उसको टूट के चाहा थकल तलक, इस दिल ने उसको टूट के चाहा थकल तलक, किस दिल से उसको आज भला बेवफा कहूं, किस दिल से उसको आज भला बेवफा कहूं। बहुत शुक्रिया। और ये शेर आपके लिए, ये मेरी तो कायनात ही सारी उजड़ गई, मेरी तो कायनात ही सारी उजड़ गई, तुम कह रहे हो इसको फकत हादसा कहूं, तुम कह रहे हो इसको फकत हादसा कहूं। बहुत शुक्रिया। मैं आदरणीय ईओ साहब से और आदरणीय चेयरमैन साहब से अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर अफजल मंगलोरी साहब का माला पहनाकर तथा तिरंगा पट्टी का पहनाकर स्वागत करें। डॉक्टर अफजल मंगलोरी साहब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सर, आदरणीय अफजल मंगलोरी साहब, आदरणीय ईओ साहब, आदरणीय चेयरमैन हरदिराजी चेयरमैन कोचिक साहब, मैं आग्रह करूंगा कि और तालियां बजती रहें। डॉक्टर अफजल मंगलोरी साहब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। मैं शरीफ भारती जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और तालियां बजती रहें। शरीफ भारती जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यंगकार और हास्य कवि हैं। आदरणीय ईओ साहब और आदरणीय चेयरमैन साहब सम्मानित करते हुए तालियां बजती रहें। मैं मधुर भाई से भी आग्रह करूंगा कि वो अभी आ जाएं। तालियां बजती रहें। हिलाल बुनायूनी साहब जो इसकी निजामत करेंगे, कार्यक्रम का संचालन करेंगे शेष, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं। और मैं आग्रह करूंगा भाई हिलाल बुनायूनी साहब से कि वो अब आगे का संचालन संभालें। और डॉक्टर इंजीनियर अरशद जिया साहब, इंजीनियर अरशद जिया साहब, मैं आग्रह करूंगा चेयरमैन साहब से और ईओ साहब से कि वो इंजीनियर अरशद जिया साहब का स्वागत करें। सिविल इंजीनियर हैं, देश विदेश में पढ़ चुके हैं और अच्छी ख्याति प्राप्त हैं।
अर्शदिया साहब, इंजीनियर अर्शदिया साहब। मैं आग्रह करूंगा हिलाल बुनाइनी साहब से, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संचालक हैं, कि वो इस शेष कार्यक्रम का संचालन वो करें। तानिया मैत्री देंगे। आप लोगों के हवाले से कि देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो, देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा वैसे हम घबराए तो। दोस्तों, शहीद चंद्रभान प्रदर्शनी के जेर एहतमाम आज का ये खूबसूरत ऑल इंडिया मुशायरा, जिसके मेहमान खुसूसी मोहतरम दिनेश खटीक साहब, स्टेट मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट, चेयरमैन मोहतरम अखिल कुमार कौशिक साहब, यू साहब राजीव कुमार साहब, कन्वीनर मेरे बहुत ही मुखलिस दोस्त मोहतरम कुमार मुनीश अक साहब, और जो दीगर मुंतजमीन नगर पालिका के जो मेम्बरान हैं, अहदेदारान हैं, आप तमामी सामईन। दोस्तों, मवाना इससे पहले भी मेरी हाजिरी हो चुकी है, कई चेहरे जाने पहचाने हैं, मगर कुछ हालात थे कावड़ की वजह से या फिर बारिश की वजह से, जो थोड़ा सा ताखीर से हम सब लोग यहाँ हाजिर हो सके। बहरहाल, ये जो मुशायरा है, आपकी बस्ती मवाना एक ऐसी बस्ती है कि जिससे इस मुजफ्फरनगर मेरठ को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कौमी एकजहती का पैगाम मिलता है, और इसी पैगाम को और दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो ये एमसीडी प्रोडक्शन आज इस मुशायरे को कवर करेगा, तो आप सबकी सूरतें, आप सबकी समातें, तमाम शोरा का कलाम आप सब लोग समात करेंगे, देखेंगे जब जब आप नगर पालिका मुशायरा मवाना 2023 सर्च करेंगे। मैं चार मिसरों से अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं मवाना के तमाम जिंदा दिल सामईन, और यहीं से देखना चाहता हूं कि थोड़ा सा देर जरूर हुई मगर देर आए दुरुस्त आए, कितना बेदार है आज की रात जो एक बहुत खूबसूरत फेरिस कुमार मुनीश अक्स ने यहाँ यज्ञा किया है, बल्कि ये कहूँ कि गुलिस्ताने अदब के नायाब फूलों को जो यज्ञा किया है, तो उसके लिए आप कितना बेदार है, कितना समाते आपकी तैयार है। ये कौमी एकजहती का मुशायरा, ये आपकी बस्ती कौमी एकजहती का सबूत, वो चार मिसरे यहीं से मुझे एहसास करा दीजिएगा, और जो तमाम मुंतजमीन जिनके चेहरे पर बड़ी फिक्र थी उन्हें ये एहसास हो जाए कि वाकई मवाना वाले पूरी तरह से जिंदा दिल भी है और जागे हुए हैं, कि ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है, ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है, और जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है, जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। दोस्तों, यही मैसेज है इस मुशायरे का, यही मैसेज है नगर पालिका का, और यही मैसेज है इस मवाना का। मुझे बड़ी खुशी है और बड़े फख्र के साथ मैं यहाँ हाजिर हुआ कि एक अरसे बाद ये जो कोरोना बीच में हायल हुआ उसके बाद यहाँ मवाना मेरी हाजिरी हुई। बहुत से अजीज अहबाब हैं, डॉक्टर एम एन सैफी साहब, अब्दुल कलाम साहब और दीगर हजरात जिनके नाम बीच में मैं लेता रहूंगा। बहरहाल, मुशायरे का आगाज है, मुझे आपकी समातों पर पूरा भरोसा है कि मुशायरा बड़ा अच्छा सुनते हैं, और शायर को कैसे नवाजना है, जब जब शायर यहाँ आए उसकी पजीराई कैसे करनी है, जब वो रुखसत हो तो उसे कैसे दुआओं से नवाजना है, और जब जब अच्छा और सच्चा शेर लगे तब आपको क्या रद्द अमल इख्तियार करना है। दो चार मिनट की गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जैसा कि ये कौमी एकजहती का मुशायरा है। हमें फख्र है दोस्तों कि हम हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, और हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जहां अनेकता में एकता इसका मेन कंसेप्ट है, वो मुल्क जहां अलग अलग तहजीब के लोग हैं, अलग अलग फिक्र के लोग हैं,
अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग सभ्यताओं के लोग हैं, फिर भी सब इसी तरह से आपस में मिला करते हैं, जिस तरह से एक गुलशन में तमाम तरह के फूल अपनी खुशबू और रंगत लुटाया करते हैं। ये तहजीब को हमें सलामत रखना है, अपने हिंदुस्तान के इस कल्चर को सलामत रखना है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को ये मुमताज हैसियत हासिल है कि पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं कि जहां आज के दौर में लोग नफरत से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वहीं हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी इंसान बड़े ही फख्र के साथ पूरी दुनिया से कह सकता है कि आओ मेरे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ, कि ऐ दुनिया वालों, जहां तुम इंसान इंसान से नफरत कर रहा है, वहीं मेरा मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जहां के इंसान ही गले नहीं मिलते बल्कि वहां की नदियां भी आपस में गले मिलकर संगम बना लिया करती है। ये मुल्क वो हिंदुस्तान है। मेरे अल्लाह ये आरजू है मेरी, मेरे अल्लाह ये आरजू है मेरी, काश पूरा मेरे दिल का अरमान हो, आदमी आदमी से मोहब्बत करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आदमी आदमी से मोहब्बत करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। दोस्तों, संस्कृति, इस वतन की तहजीब, इसका कल्चर, इसकी खूबसूरती यही है कि एक बड़ा खूबसूरत मिसाल मुझे मवाना वालों याद आ गई कि इसका कल्चर यही है कि अगर हम फिल्मी दुनिया की तरफ भी जाएं तो आप एक मिसाल पे फख्र कीजिए हिंदुस्तान की कि ये मुल्क वो मुल्क है कि जहां लता, जहां मोहम्मद रफी ये कहते हैं, मेरे वतन का एक शायर है, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं कि जहां मेरे वतन का एक शायर शकील बदायूनी ये कहता है कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला। ये इस मुल्क की तहजीब है कि शकील बदायूनी कह दे कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रजवाला, तो वहीं लता मंगेशकर कहती हैं कि गर्दिश में है तकदीर, भवर में है सफीना, बेकस पे कर्म कीजिए सरकारे मदीना। ये इस मुल्क की तहजीब, ये इस मुल्क का कल्चर है और इसी तहजीब को हमें सलामत रखना है। वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, एक हाथ में दर्पण है, एक हाथ में आईना, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। तो आज की महफिल जहां कौमी यकजहती का सबूत ये इस महफिल से मिलेगा, वहीं हमारी उर्दू के साथ साथ जो हमारी अपनी जबान हिंदी है, आप दोनों जबानों की मिली जुली यहाँ गजलें, गीतें और कविताएं समाप्त करेंगे और हिंदुस्तान की एक अनूठी अलबेली संस्कृति का यहाँ से जीता जागता मिसाल कायम होगी। और वो मिसाल सिर्फ मवाना तक मुकैद नहीं रहेगी बल्कि मुख्तलिफ यूट्यूब या टीवी चैनल्स के हवाले से पूरी दुनिया में आज इसका प्रोग्राम रिकॉर्ड भी होगा और टेलीकास्ट भी होगा। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो आइए दोस्तों, जो मुझे पैगाम देना था वो आप तक पहुंचा और आइए अब इस मुशायरे का एक खूबसूरत दोबारा से आगाज करते हैं और अपने वतन की मोहब्बत में एक गीत समाप्त करते हैं। इसके लिए मेरी फहरिस्त का एक बहुत ही मुमताज और मोहतबर शायर जो उत्तराखंड उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन भी हैं, आज हमारी खुशकिस्मती है कि इस मुशायरे में डॉक्टर अफजल मंगलोरी साहब जलवागर हैं। मैं चाहता ये हूँ कि हुब्बुल वतनी का इजहार करते हैं और एक देशभक्ति के गीत से, एक खूबसूरत तराने से इस महफिल में अपनी देशभक्ति की फजाओं को और बुलंद करते हैं। और आपसे गुजारिश करता हूँ जोरदार तालियों से अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल करके यहाँ से बता दीजिए कि मवाना वाले हुब्बुल वतनी का इजहार करने के लिए किस तरह जिंदा दिल है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आपके मेहमान और महबूब शायर जनाबे डॉक्टर अफजल मंगलोरी। तमाम अहले मवाना को मेरा आदाब सलाम। बहुत दिनों के बाद हाजिरी हुई और मवाना का तारीखी मुशायरा हमेशा से याद किया जाता है, तो अच्छी टेम है जी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये गीत अपने वतन के नाम मैं पेश कर रहा हूँ चंद अशआर, फिर उसके बाद आप मुशायरा बाकायदा सुनेंगे। और मुशायरा किस तरह मवाने में सुना जाता है, जो कुछ लोग नए आए हैं उन्हें आप बता देना,
मैं तो सन 82 से यहाँ आप लोग बुला रहे हैं, तो सुनिएगा। तू विधाता के हाथों का है संकलन, वाह। तू विधाता के हाथों का है संकलन, तू है जेब चमन रौनक अंजुमन, देवताओं का है तू पवित्र आचमन, वाह। मिसले खुल्द बरी मेरे प्यारे वतन, 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 वाह। और यहां से शेर देखिएगा कि यूं तेरे रुख पे आंचल है कश्मीर का, वाह। यूं तेरे रुख पे आंचल है कश्मीर का, फख्र आलम है पर्वत हिमालय तेरा, क्या कह रहे, फख्र आलम है पर्वत हिमालय तेरा, जिस पे पड़ती है सूरज की पहली किरण, वाह 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 वाह, क्या कह रहे दोस्तों, साथ हो जाइए जरा, इस्तकबाल कीजिए, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह, यहीं से बनाती है, क्या कह रहे, बहुत शुक्रिया, क्या कह रहे, जिस पे पड़ती है सूरज की पहली किरण, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, वाह, बहुत शुक्रिया। तू विधाता के हाथों का है संकलन, वाह। तू है जेब चमन रौनक अंजुमन, और जुल्फ तेरी, मिश्रा तो अब आएगा, कुछ नौजवान अभी हैं, पूरे मुशायरे में आपको इसी तरह ताजगी पेश करनी है, आखिर तक अपना स्टैंड बना के रखना है कि जुल्फ तेरी हिमाचल है पंजाब है, वाह। जुल्फ तेरी हिमाचल है पंजाब है, खत रंगी तेरे रुख पे दो आब है, सोना चांदी बनाती है गंगो जमन, जिंदाबाद मेरे प्यारे वतन, बहुत शुक्रिया, बहुत मेरे प्यारे वतन, तू है देव चमन रौनक अंजुमन, और दी शिवाजी ने भी जान तेरे लिए, दी शिवाजी ने भी जान, दी शिवाजी ने भी जान तेरे लिए, तेरी खातिर था सब कुछ लुटाए हुए, वो बहादुर जफर सर से बांधे कफन, वाह। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, वाह। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तू है जेब चमन रौनक अंजुमन, वाह। और ये आखिरी बंद, हर मुसलमान, सच्चा मुसलमान, हमारे दीन ने भी हमें बताया, हमारे रसूल ने भी, हमारे कुरान ने भी, कि जिस वतन में रहो उससे मोहब्बत करो, हमारे हुजूर ने फरमाया चाहे आप हिजरत करो लेकिन जिस वतन में है उससे मोहब्बत, और इसका सबूत आप दे रहे हैं और अभी भी देना है आपको। एक बार फिर जोरदार तालियां इस नगर पालिका के इस प्रोग्राम के लिए और उब्बुल मतनी का ये गीत, कि तुझ में नानक ने हक का संदेश दिया, वाह। तुझ में नानक ने हक का संदेश दिया, और यही कृष्ण की बांसुरी को सुना, प्रेम के तुझ में मीरा ने गाए भजन, वाह। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मख्ता सुनिएगा अफजल मंगलोरी का, और फिर मुशायरे के आगाज होता है कि तेरी अजमत के नगमे जमाना सुने, क्या कहने, तेरी अजमत के नगमे जमाना सुने, इस तरह शौक हर दिल में तेरा रहे, कल्बे अफजल में जैसे
गगन मेरे प्यारे वतन मेरे प्यारे। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों ये थे डॉक्टर अफजल मंगलौरी साहब, जो मुझे एतमाद था कि उनके खूबसूरत गीत से इस महफिल का आगाज हो, उसका मुकम्मल सबूत उन्होंने पेश किया। आप सब लोग जो बेदार हुए उसके लिए मैं सलाम करता हूं, आप सबकी दानिशवराना समातों के लिए, और मुबारकबाद पेश करता हूं चेयरमैन साहब के लिए, ईओ साहब के लिए, भाई कुमार मुनीश अक्स के लिए भी। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। और चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। और इस ऐसे हिंदुस्तान, ऐसा आज कई जश्न आजादी की महफिल उसी खूबसूरत तरीके से आप समाप्त कर रहे हैं, और बहुत खूबसूरत फहरिस्त मोहतरम कुमार मुनीश अक्स के दावतनामे पर यहाँ यज्ञा है, जिसमें जनाबे डॉक्टर अफजल मंगलौरी साहब को आपने समाप्त किया। अपने मकाम पर वो गजल सरा भी होंगे, अपनी और नज्म भी सुनाएंगे, और इसके साथ आपकी निगाहें पहुंच रही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आलमी शोहरत याफ्ता नौजवान और पूरी दुनिया के महबूब शायर जनाबे हाशिम फिरोजाबादी भी तशरीफ फरमा है, आप उनका भी इस्तकबाल कर सकते हैं। मोहतरमा रजनी सिंह अवनी साहिबा दिल्ली से आपके दयार में तशरीफ लाई है, जलवा कर रहे हैं यहाँ पर। मोहतरमा मोनिका दहलवी साहिब इससे कबल आपके मुशायरे में मवाना में आ चुकी है, तशरीफ फरमा है। मोहतरम इंजीनियर अरशद जिया साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है, आर्किटेक्ट भी हैं, और गजल में वो किस तरह से इमारतें खड़ी करते हैं ये वो गजल सरा होंगे तो आप देखेंगे। मोहतरमा दानिश गजल मेरठी, आप ही के जिले की एक बड़ी ही खूबसूरत लहजे की शायरा, वो भी यहाँ तशरीफ रखती हैं, और इस मुशायरे कन्वीनर मोहतरम। दोस्तों जब इस मुशायरे की प्लानिंग हुई, और इससे कबल मैंने जब कुमार मुनीश अक्स साहब को सुना था, तो एक गीत है उनका बड़ा मखसूस है, वो मुझे भी बड़ा पसंद आया। उनकी भी ख्वाहिश थी कि जब अपनी बस्ती होती है और कोई अपना पैगाम होता है तो ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बात, अपने जज्बात अपने अवाम तक पहुंचाए जाए। खूबसूरत माहौल है, चाहते ये हैं कुमार मुनीश अक्स, वो अक्स ही नहीं, वो चाहते हैं ये कि बाद में पढ़ा जाए। बहरहाल मवाना वालों सलाम करता हूँ कि इस तरह से आप मुत्तहिद बैठे हैं, जिस तरह से किसी गुलशन में अगर गुलाब के फूल हो, गेंदे के फूल हो, चमेली की फूल हो, सब एक तरह से मिलजुले रहते हैं, क्योंकि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे ये दोनों यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे ये दोनों यहीं के हैं। ये तहजीब है आपके शहर मवाना की, और यही तहजीब है जिला मेरठ की। और आइए दोस्तों, रद्दो बदल हुआ, कुमार मुनीश साहब ने फरमाया कि वो चाहते ये हैं कि वो एक ही बार जब गजल सरा हो तभी वो अशार पेश करें। तो आइए दोस्तों इस मुशायरे का आगाज करते हैं, और फिर यहाँ से गजल के सफर का आगाज करना चाहता हूँ। गजल के मिजाज से आप सब वाकिफ हैं, और गजल का आगाज है, मगर जिस तरह से आप बेदार थे दोस्तों उसी तरह से आपको बेदार रहना होगा, क्योंकि गजल को जिस तरह से समाप्त किया जाता है, चाहे मवाना की सरजमी हो, लावड़ की सरजमी हो, या फिर सरधना की सरजमी हो, ये तमाम इलाका अच्छे से वाकिफ है, क्योंकि मेरठ का अपना एक अदबी हवाला है। ये तेरे मेरे मिलने के पल आखिरी नहीं, ये तेरे मेरे मिलने के पल आखिरी नहीं, ऐ यार मेरी कोई गजल आखिरी नहीं, दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार, ये आगरा का ताजमहल आखिरी नहीं, दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार, ये आगरा का ताजमहल आखिरी नहीं। तो आइए दोस्तों यहाँ से प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू करते हैं, और उस जाबाज शायर का इस्तकबाल करते हैं जो जितने हौसले से अपने अल्फाज कागज पर रकम करता है, उतनी हौसले उतने ही जज्बे के साथ वो अपने अल्फाज की अदायगी हमारे सामईन तक पहुंचाता है। वो शायर जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ है, इस मुशायरे का आगाज है, और मुझे उम्मीद है कि आगाज उससे किया जाता है कि जो अंजाम तक इस मुशायरे का हमें अभी तक पहुंचा दे, और इसके लिए
वली मैं एतमाद करता हूँ जनाबे इंजीनियर अरशद जिया मुजफ्फर नगरी से के तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। जुगनू सितारे चांद सभी दूर हो चुके, तब ए जिया तुझे ही बुलाना पड़ा मुझे। अब महताबी गजलों की किरणें बिखेर कर पुरनूर कर दे रात, खुदा की कसम तुझे। तो आइए इस रात को जिया बार करने के लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे अरशद जिया मुजफ्फर नगरी। ये मोहतरम जनाब सलमान फरीदी साहब जो पत्रकार भी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा यह तशरीफ ले आए। मौजूद सामीन हजरात, सभी को सलाम करता हूं, आदाब करता हूं। अरसाए दराज के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दो चार शेर से आप तक पहुंचना चाहता हूं। शुरुआत करता हूं सदर मोहतरम की इजाजत, आपकी इजाजत हाजिर करता हूं। न तो जुल्म के हामी है न ही बाजू वाले हैं, महका देंगे तन मन को सब खुशबू वाले हैं। वाह 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 अशोक भाई वाह। हमें ना किसी जापान से मतलब है, ना किसी चीन से मतलब है, ना किसी बाजू वाले से मतलब है। हमारे लिए हिंदुस्तान सबसे ऊपर हाजिर करता हूँ आपकी मोहब्बतें। आप न तो जुल्म के हामी हैं नहीं बाजू वाले हैं, महका देंगे तन मन को सब खुशबू वाले हैं। हम जान छिड़कते इस मुल्क पे लोगों, पास आओ हमें समझो हम उर्दू वाले हैं। हम उर्दू वाले क्या कहें, सर अपना ही माले है, आगोश में गंगा है। क्या कहें क्या कहें, सर अपना ही माले है, आगोश में गंगा है। कपड़ों पे नहीं जाना, हमारी पहचान अब्दुल कलाम से होनी चाहिए बेशक, हमारी पहचान अशफाकुल्ला खान से होनी चाहिए बेशक, हमारी पहचान अब्दुल हमीद से होनी चाहिए, पोशाक से नहीं। हाजिर करता हूँ बेशक। सर अपना हिमालय है, आगोश में गंगा है। सर अपना हिमालय है, आगोश में गंगा है। कपड़ों पे नहीं जाना, हर दिल में तिरंगा है। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद अर्शद भाई, वाह 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 वाह। कुमार मुनीशक साहब इस खूबसूरत कते का इस्तकबाल करते हुए आप भी शामिल हो जाइए दोस्तों, जिंदगी दीजिए इस मुशायरे को। वाह 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 वाह। मैं हाजिर करता हूँ मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई हाशिम फिरोजाबादी साहब। मैं हाजिर करता हूँ आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सर अपना हिमालय है, आगोश में गंगा है। सर अपना हिमालय है, आगोश में गंगा है। कपड़ों पे नहीं जाना, हर दिल में तिरंगा है। क्या अच्छा काफिया निभाया अर्शद भाई, वाह। दिल में तिरंगा है,
वाह। मुस्लिम भी है हिंदू भी, ईसाई भी है सिख भी, क्या कहने। मुस्लिम भी है हिंदू भी, ईसाई भी है सिख भी, फूलों का ये गुलदस्ता क्या रंग बिरंगा है, वाह 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 वाह। का ये गुलदस्ता क्या रंग बिरंगा है। एक सच्ची बात बोलता हूँ, आप सबकी जागती समातों के दर एहसास पर अगर दस्तक दे जाए तो आपकी दुआएं। सरहद की हिफाजत को अब्दुल भी है अर्जुन भी, वाह 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 वाह। सरहद की हिफाजत को अब्दुल भी है अर्जुन भी, सरहद की हिफाजत को अब्दुल भी है अर्जुन भी, फिर क्या है किला तुमको, किस बात पे दंगा है, फिर क्या है। वाह वाह, किस बात पे दंगा है, वाह क्या अच्छा पैगाम है, वाह 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 वाह। दो चार शेर पहुंचा दूं जिस मौजू से मेरा तारुफ हुआ। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिविल इंजीनियर हूं। जब जब कोई शायर अपनी गजल कहता है तो उसमें पूरे टूल्स इस्तेमाल करता है, जिस तरह से एक मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल को ठीक करने के लिए उसमें औजार इस्तेमाल करता है, उसी तरह ठीक टूल्स इस्तेमाल होते हैं। हाजिर करता हूं दो तीन शेर आप तक पहुंच जाए, उसके बाद में गजल गीत जो आप सुनना चाहें हाजिर करता हूं। अपनी हालत नए कपड़ों से छुपा ली तुमने, वाह। अपनी हालत नए कपड़ों से छुपा ली तुमने, खस्ता दीवार पे टाइल जो लगा ली तुमने, अरे वाह 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 वाह। अपनी हालत नए कपड़ों से छुपा ली तुमने, क्या कहने, खस्ता दीवार पे टाइल जो लगा ली तुमने, और दोस्ती कर ली और उस शख्स को परखा भी नहीं, कच्ची मिट्टी से ही बुनियाद उठा ली तुमने, वाह 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 वाह, उठा ली तुमने। हाजिर करता हूं कि कच्ची मिट्टी से ही बुनियाद उठा ली तुमने, ये और बात मैं यारों के दरमियान रहा, वाह। ये और बात मैं यारों के दरमियान रहा, पर आस्तीन के सांपों से सावधान रहा, वाह वाह वाह, अच्छा काफी आया, वाह वाह। ये और बात मैं यारों के दरमियान रहा, पर आस्तीन के सांपों से सावधान रहा, वो लोग पूछते हैं मेरी पस्तियों का सबब, मैं जिनके वास्ते हर वक्त पायदान रहा, वाह 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 वाह, जिनके वास्ते हर वक्त पायदान रहा। और दिल है किसी का, दिल में मोहब्बत किसी की है, दिल है किसी का, दिल में मोहब्बत किसी की है, दिल है किसी का, दिल में मोहब्बत किसी की है, जैसे मकान किसी का है और छत किसी की है, वाह 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 वाह। जैसे मकान किसी का है और छत किसी की है, और बुनियाद से तो पूछ इमारत की दास्तान, बुनियाद से तो पूछ इमारत की दास्तान, मेहनत किसी की है, यहाँ शोहरत किसी की है, वाह 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 वाह। दो तीन शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ, नौजवान दोस्त सुने, हाजिर करता हूँ। थे हम सफर तो राह में दिलबर नहीं मिला, दिलबर नहीं मिला। सब ज़हीन समाते हैं,
काफियों पे ध्यान चाहूंगा आपका, हाजिर करता हूँ। थे हम सफर तोरा हमें दिल पर नहीं मिला, दिल पर नहीं मिला, आंसू जो रोक दे वो पलंबर नहीं मिला, पलंबर नहीं। वाह 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 वाह। पलंबर नहीं मिला, पलंबर नहीं मिला। शुक्रिया, जोरदार ताली मेरे भाई के लिए बजा दे, बहुत खूबसूरत। हाजिर हाजिर। थे हम सफर तोरा हमें दिल पर नहीं मिला, दिल पर नहीं मिला, आंसू जो रोक दे वो पलंबर नहीं मिला, पलंबर नहीं मिला, आंसू जो रोक दे वो पलंबर नहीं मिला, पलंबर नहीं मिला। शेर पढ़ता हूँ। कॉटन की हाफ शर्ट में सर्दी गुजार दी, कॉटन की हाफ शर्ट में सर्दी गुजार दी, सर्दी गुजार दी, कॉटन की हाफ शर्ट में सर्दी गुजार दी, सर्दी गुजार दी, अब तक तुम्हारे हाथ का स्वेटर नहीं मिला, स्वेटर नहीं मिला, वाह वाह वाह, स्वेटर नहीं मिला। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। के लिए बहुत बहुत इस्तकबाल। आप भी शामिल हो जाइए दोस्तों इस हौसला अफजाई में। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। अरब नवाज सबसद साहब या तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूं कोई शेर में सब शरीक हो जाएं। जी काफिया है गलातुल अवाम फसी लफ्ज। इतना बोला गया कि राइज हो गया। हाजिर करता हूं, कादों से माजरा चाहता हूं। हाजिर करता हूं। कॉटन की हाफ शर्ट में सर्दी गुजार दी, सर्दी गुजार दी, अब तक तुम्हारे हाथ का स्वेटर नहीं मिला, स्वेटर नहीं मिला। शेर पढ़ता हूं। मुनीस अक्ष जी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उनके हवाले से इरशाद। हाजिर करता हूँ। शेर पढ़ के फिर दो तीन शेर। सदर चेयरमैन साहब है मगर वो यहाँ से रुखसत हो गए। तेरे बगैर तसव्वुर कीजिएगा दोस्तों। हाजिर कर। हाँ, ये हमारे मेंबर साहब का का हुक्म भी दिया है कि अब यहाँ से इस मुशायरे की सदारत हमारे यू साहब फरमा रहे हैं, यू राजीव साहब। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। और ये उनकी बड़प्पन है कि वो सामने बैठकर इस मुशायरे को समाप्त कर रहे हैं। यहीं से शेर सुनिए दोस्तों, तालियों से दोबारा से जिंदा दिल हो जाइए और जुड़ जाइए। तेरे बगैर आधी अधूरी है जिंदगी, अधूरी है जिंदगी। क्या कहने, क्या कहने। तेरे बगैर आधी अधूरी है जिंदगी, अधूरी है जिंदगी। मैं वो मकान हूँ जिसे लिंटर नहीं मिला, लिंटर नहीं मिला। क्या कहने, वाह। लिंटर नहीं मिला, वाह। नहीं मिला, वाह। लिंटर नहीं मिला, वाह 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 वाह। पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, दो तीन कते पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मुनीश अक्ष जी का हुक्म, हाजिर करता हूँ। क्या बतलाए मरहम रखने की खातिर,
क्या बतलाए मरहम रखने की खातिर कैसे कैसे जख्म लगाए जाते हैं, क्या बतलाए मरहम रखने की खातिर कैसे कैसे जख्म लगाए जाते हैं। पहले कैद किया जाता है पिंजरे में, फिर उड़ने के ख्वाब दिखाए जाते हैं। ख्वाब दिखाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। खुदा की कसम बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहा हूँ, पसीना आप देख ही रहे हैं। थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ जाएं, बस दो तीन मिनट और आपकी खिदमत कर दूं, फिर अपनी जगह लेता हूँ, हाजिर करता हूँ। अंदाजे से तीर चलाया जाता है, अंदाजे से तीर चलाया जाता है। रस्सी का भी सांप बनाया जाता है, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। हाजिर करता हूँ, बहुत मोहब्बत है आपकी, बहुत मोहब्बत है, हाजिर करता हूँ। अंदाजे तीर चलाया जाता है, वाह। अंदाजे से तीर चलाया जाता है, रस्सी का भी सांप बनाया जाता है। किसकी करनी किसको भरनी पड़ जाए, चेहरों से मुजरिम ठहराया जाता है। वाह 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 वाह, ठहराया जाता, क्या कहने है, दिल जीत लिया मवाना वालों आपने। बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ आपका, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, चेहरों हाजिर, पढ़ दूं। अंदाजे से तीर चलाया जाता है, रस्सी का भी सांप बनाया जाता है। किसकी करनी किसको भरनी पड़ जाए, चेहरों से मुजरिम ठहराया जाता है, चेहरों से मुजरिम ठहराया जाता है। क्या कहें, क्या कहें। आखिर मंजिल दरियाओं की समंदर है, वाह। रिश्ता ये हरगिज नहीं तोड़ा जाएगा, क्या कहें। हम हिंदुस्तान में पले, हिंदुस्तान में बड़े हुए, यहीं पे खेले, यहीं पे जवान हुए, यहीं मर जाएंगे, इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे, यही हमारी है। हाजिर। आखिर मंजिल दरियाओं की समंदर है, रिश्ता ये हरगिज नहीं तोड़ा जाएगा। हम हैं हिस्सेदार किराएदार नहीं, हमसे हिंदुस्तान न छोड़ा जाएगा। क्या कहने अर्शद भाई, वाह वाह वाह, हाजिर करता हूं। वाह, चार मिस्त्री हाजिर करता हूं। दोबारा पढ़ दीजिए अर्शद भाई, दोबारा पढ़ दीजिए, दोबारा पढ़ दीजिए। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, हाजिर करता हूं। वाह। आखिर मंजिल दरियाओं की समंदर है, क्या कहने। रिश्ता ये हरगिज नहीं तोड़ा जाएगा, हम हैं हिस्सेदार किराएदार नहीं, हमसे हिंदुस्तान न छोड़ा जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। फख्र कीजिए मवाना वालों, आपने बड़े खूबसूरत मेंबर का इंतखाब किया है। अगर हर नगर पालिका में इस तरह के मेंबर ईओ चेयरमैन होने लगे तो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब को कोई खतरा नहीं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। हाजिर करता हूँ, चार मिसरे पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। चौथा मिसरा अगर आपकी
समातों को झिझोड़ दे बेशक, तो आपकी मोहब्बतें हाजिर करता हूँ, पीछे तक शरीक हो जाए पढ़ता हूँ। जिस्म है मिट्टी, मिट्टी पर इतराना क्या। वाह, जिस्म है मिट्टी, मिट्टी पर इतराना क्या। जिस्म है मिट्टी, मिट्टी पर इतराना क्या, कोशिश अपनी भी पहचान की कर लेना। जब भी तुमको खुद पे तकब्बुर होने लगे, एक जियारत कब्रिस्तान की कर ले। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हजरात, बहुत खूबसूरत माहौल और मुशायरा इस मोड से ही कामयाबी तक पहुंचा दिया जनाब अरशद जिया ने। और जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि वो सिविल इंजीनियर है, तो एक बड़ी ही खूबसूरत गजल की इमारत उन्होंने यहाँ तामीर कर दी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, हमारी समातों को शाद भी किया और समातों को आबाद भी किया। सूरज हूँ मुझको डर किसी साए का नहीं है, सूरज हूँ मुझको डर किसी साए का नहीं है, ये देश मेरा घर है किराए का नहीं है। सूरज हूँ मुझको डर किसी साए का नहीं है, ये देश मेरा घर है किराए का नहीं है। मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाएं, ये वक्त यार अपने पराए का नहीं है। मुश्किल घड़ी है, आओ उठो देश बचाएं, ये वक्त यार अपने पराए का नहीं है। बड़ा खुश है दोस्तों आप सब लोगों की हसीन समाते देखकर, ये तमाम शोराए किराम और सबका मूड बन चुका है। और सब मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपकी समातों से हमारे शोराए किराम के चेहरों पर जो मुस्कुराहट और ताजगी आई है, तो यकीन मानिए हर शायर अपना दिल निकाल कर आपके लिए रख देगा। और जो जज्बात जो कहीं कहीं छुपा लिए जाते हैं, वो तमाम जज्बात यहाँ आज की रात आप लोग सुनेंगे और समात करेंगे। आइए दोस्तों इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और मैं एक जिला मेरठ की एक बड़ी खूबसूरत लहजे की शायरा, वो शायरा जिसे दानिश्वर, हाँ सुन लीजिए कि जिसे दानिश्वर मैं इस लिहाज से भी कह सकता हूँ कि वो एक पीजी कॉलेज में टीचर भी है। और फख्र कीजिए मेरठ वालों की बड़े ही कम वक्त में उस शायरा ने इस हिंदुस्तान से बाहर गैर ममालिक पे भी अपनी शनाख्त बनाई। आपने बेसाख्ता जुमला सुना होगा नाज़िम मुशायरा के मुंह से, के गजल को गजल से सुनिए, मगर ये जुमला इस मवाना में बिल्कुल सादिक हो जाएगा जब मैं ये जुमला दान मोहतरमा दानिश गजल के लिए कहूँ। बज़्मे एहसास जगा दो तो गजल हो जाए, बज़्मे एहसास सजा दो तो गजल हो जाए, दिल के जज्बात जगा दो तो गजल हो जाए, सारा मैखाना भी पी लूं तो गजल नामुमकिन, तुम जो आंखों से पिला दो तो गजल हो जाए, तुम जो आंखों से पिला दो तो गजल हो जाए। गजल का वही हसीन और नफीस लहजा। आइए दरखास्त करते हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ जोरदार तालियों से उसी माहौल को और दुबाला कर दीजिए मोहतरमा दानिश गजल। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, अभी बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ रहे थे अरशद ज़िया साहब, और बहुत ही सलीके से और बहुत ही दादो तहसीन से आप उनको नवाज रहे थे। मुबारकबाद पेश करती हूँ अरशद साहब, बहुत खूबसूरत नज़ामत फरमा रहे हैं हिलाल साहब। वाज़िश पेश करती हूँ, चार मिसरे समात कीजिएगे। पेश करती हूँ, चाहती हूँ एक मतला तनशेर। नए माहौल का मेयार हूँ मैं, हाय 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 क्या कहने। इसके बाद पढ़ूंगी इंशाल्लाह, लेकिन चाहती हूँ कुछ मेयारी शायरी यहाँ पे सुनी जा रही है। मवाना है और डाइस भी बहुत ही मोतबर है, अफजल साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है और मेरे सभी। पेश करती हूँ, नए माहौल का मेयार हूँ मैं, नए माहौल का मेयार हूँ मैं, भले ही रौनके बाजार हूँ मैं, भले ही
रौनक-ए-बाज़ार बाज़ार में। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और ये शेर पेश करती हूँ बेटियों के हवाले से। यहाँ पे मेरी बहनें तशरीफ़ फरमा है, मुमताज नसीम साहिबा, मोनिका दी, पेश करती हूँ एक। यहाँ मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ़ फरमा है। मुझे पैरों की जूती कहने वाले, क्या अच्छा मिसरा है दानिश, वाह 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 वाह। मुझे पैरों की जूती कहने वाले, वाह। मुझे पैरों की जूती कहने वाले, मेरे अजदाद की दस्तार हूँ मैं, मेरे दाद की दस्तार हूँ मैं। देखिए इस शेर पे मैं आप सभी की तालियां चाहती हूँ, बहुत अच्छा शेर था, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी, मुझे मरना है एक जालिम के हाथों, मुझे मरना है एक जालिम के हाथों। दानिश एक माजरत, मेरे पास अभी ये पैगाम भी आया था, कुछ हमारी जो खवातीन माए बहनें हैं खड़ी हैं, आपसे गुजारिश है, ये आपकी बस्ती की तहजीब है, उन्हें थोड़ा सा जगह दे दीजिए जिससे वो सुकून के साथ यहाँ तशरीफ रख सकें। कुछ जो बाई जानेब खड़े हैं, अब इस पर मोहतरमा दानिश गजल बहुत अच्छा जो कलाम पढ़ रही थी, वहीं से तालियों जरा इजाजत दीजिए, वो इस शेर को मुकम्मल कर सकें। कुर्सी है, मेरे अजदाद की दस्तार हूँ मैं, मेरे अजदाद की दस्तार हूँ मैं। मुझे मरना है एक जालिम के हाथों, मुझे मरना है एक जालिम के हाथों, कहानी में किरदार हूँ मैं, किरदार हूँ मैं, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी में यही किरदार हूँ मैं, वाह। जुदा कैसे करेगी हमको दुनिया, जुदा कैसे करेगी हमको दुनिया, जुदा कैसे करेगी हमको दुनिया, तू पायल है तेरी झनकार हूँ मैं, तू पायल है तेरी झनकार हूँ। थोड़ा सा माहौल बनाना चाहती हूँ, अचानक से हिलाल भाई ने बुला लिया तो थोड़ा सा। नहीं नहीं, आप पढ़िए, आपका हक है। अभी तक दोस्तों जो आपने आगाज में सुना था दानिश को, वो इस तरह से सुना हो कि झंडा अगर बंधा हुआ हो तब हम उसे सलामी दें, जब झंडा फहरा दिया जाता है तब सलामी का क्या मजा होता है। तो इस तरह से थोड़ा समाप्त कीजिए, हौसला अफजाई फरमाइए, अपना वतन है, अपना जिला है, उनका हक बनता था, मगर उसी तरह से जिस तरह से मैंने उनका तारुफ पेश किया और आपकी आंखों में जो चमक आई थी मोहतरमा दानिश गजल के लिए, उसी अंदाज में उनका कलाम मुकम्मल यहाँ होने दीजिए और जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए कि वो खूबसूरत गजल यहाँ पेश कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे मेरे अपने हैं जी, जी, और यहाँ पे मुझे कोई इंतखाब करने की भी जरूरत नहीं है, सब बहुत दुआएं देते हैं। वाह, बहुत शुक्रिया, ये है अपनेपन का सबूत। जी, मैं 10 सालों से मुसलसल यहाँ आती हूँ, बारह मनीष भाई बुलाते हैं और ये ढेर सारी दुआओं से मुझे नवाजते हैं, इन लोगों की दुआओं के बदौलत ही आज थोड़ी बहुत पहचान है, तो इनकी वजह से है। 4 मिसरे पेश करते हैं सुने जी। ना तो सोना हूँ मैं, ना तो हीरा हूँ मैं, क्या अच्छा मिसरा है। ना तो सोना हूँ मैं, ना तो हीरा हूँ मैं, बस तेरे प्यार की हाँ सकीरा हूँ मैं, बस तेरे प्यार की
हांस की राहों में विष का प्याला भी हंस हंस के पी जाऊंगी, विष का प्याला भी हंस हंस के पी जाऊंगी। मुझको पहचान ले तेरी मीरा हूँ मैं, मुझको पहचान ले तेरी मीरा हूँ मैं, मीरा हूँ मैं, मुझको पहचान ले तेरी मीरा हूँ मैं, मीरा हूँ मैं। वाह। और चार मिसरे। चांद लिखूं तुम्हें या सितारा लिखूं, चांद लिखूं तुम्हें या सितारा लिखूं, चांद लिखूं तुम्हें या सितारा लिखूं, या के खुर्शीद का इश्तियारा लिखूं, या के खुर्शीद का इश्तियारा लिखूं। एक तजब जब में रहती हूँ मैं देर तक, एक तजब जब में रहती हूँ मैं देर तक, हाथ पर नाम जब भी तुम्हारा लिखूं। मैं पेश करती हूँ। चांद लिखूं तुम्हें या सितारा लिखूं, चांद लिखूं तुम्हें या सितारा लिखूं, या के खुर्शीद का इश्तियारा लिखूं, या के खुर्शीद का इश्तियारा लिखूं। एक तजब जब में रहती हूँ मैं देर तक, हाथ पर नाम जब भी तुम्हारा लिखूं, हाथ पर नाम जब भी तुम्हारा लिखूं। और चार मिसरे पेश करती हूँ। फर्ज हमने तो अपना अदा कर दिया, फर्ज हमने तो अपना अदा कर दिया, अब न कहना ये हमसे के क्या कर दिया, अब न कहना ये हमसे के क्या कर दिया। हम मोहब्बत के कायल हैं दानिश गजल, इतना चाहा उसे बेवफा कर दिया, इतना चाहा उसे बेवफा कर दिया। और चारों से ये दानिश को हिंदुस्तान की बेटी वो खत्म कर दिया, पढ़ दिया। अच्छा मैं पेश कर। क्या मैं समझी थी और क्या निकला, वाह, क्या मैं समझी थी और क्या निकला, क्या कहने, वो मेरी सोच से जुदा निकला, वाह, क्या मैं समझी थी और क्या निकला, वो मेरी सोच से जुदा निकला। दिल जिसे देवता समझता था, दिल जिसे देवता समझता, वो भी कमबख्त बेवफा। वाह वाह, बहुत खूब। ये थी मोहतरमा दानिश गजल मेरठी। दोस्तों आप सुन चुके हैं, चार शायरात हैं मेरी फहरिस्त में। चमकते लफ्ज सितारों से छीन लाए हैं, चमकते लफ्ज सितारों से छीन लाए हैं, हम आसमां से गजल की जमीन लाए हैं, वो और होंगे जो खंजर छुपाए रखते हैं, हम अपने साथ फटी आस्तीन लाए हैं। मैं एक बात ही बता रहा चलूं कि रजनी के मानी रात के होते हैं, और जब रात की रात से मुलाकात कराई जाए तो रात के हुस्न, रात का हुस्न दुबाला हो जाया करता है। मगर एक शेर मेरे जहन में आता है कुमार मुनीर साहब के, खाली होकर भी व्यस्त जैसे हो, खाली होकर भी व्यस्त जैसे हो,
हाँ, खाली होकर भी व्यस्त जैसे हो अपनी दुनिया में मस्त जैसे हो। यो साहेब, खाली होकर भी व्यस्त जैसे हो अपनी दुनिया में मस्त जैसे हो, हमसे मिलते हो साल में एक बार, हमसे मिलते हो साल में एक बार, तुम भी 15 अगस्त जैसे हो। हमसे मिलते हो साल में एक बार, तुम भी 15 अगस्त जैसे हो। तो आइए दोस्तों, उस कवियत्री का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ जिसकी कविताओं में, जिसकी गजलों और गीतों में प्रेम की पराकाष्ठा भी मौजूद है, सीता का त्याग भी है, मीरा की तपस्या भी है और राधा का समर्पण भी है। ये तमाम खसूसियात जिस कवियत्री के कलाम में है, उसका नाम मोहतरमा रजनी सिंह अवनी। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा। मेरे होठों की बंसी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रजधाम हो जाएगा। जोरदार तालियों से मोहतरमा रजनी सिंह अवनी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे आने पर आपने जितनी घनघोर तालियां बजाई हैं, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। मुझे नहीं पता मवाना में इतना दिल से सुनते हो और इतना शांति से सुनते हैं। जरा बताइए आप किस तरह सुन रहे थे अभी तक, उसी तरह मेरा स्वागत करेंगे तो मुझे भी सुनाने में, आपके दिल में उतरने में अच्छा लगे। आ जाइए दोस्तों, अपनी फॉर्म में आ जाइए, इस तरह से मवाना वाले सुना करते हैं। मेरा चेहरा देख के घबराइए मत, हालांकि रक्षाबंधन दूर है लेकिन बात मोहब्बत की ही करूंगी। नहीं, रक्षाबंधन का जिक्र न कीजिए रजनी, ये आजादी का जश्न मनाने बैठे, ये सब आजाद हैं। जी सुनिए, आपके चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे कुछ बात याद आती है कि टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी जीना है बेकार। वाह, कि टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी जीना है बेकार, और हर पल तुम खुल कर जियो, जीना हो साकार, और क्या तेरा क्या मेरा जग में कैसी हाहाकार। अरे क्या तेरा क्या तेरा क्या मेरा जग में कैसी हाहाकार, दो पल की है जिंदगी बांटो जग में प्यार। वाह। और 4 पंक्तियां और आपको देना चाहती हूँ, मुझे यकीन है आपकी मोहब्बत जरूर मिलेगी। और 4 पंक्तियां कुछ इस तरह है कि सबसे अच्छा कर्म प्रेम ही होता है, बेशक कि सबसे अच्छा कर्म प्रेम ही होता है, सब कष्टों का मर्म प्रेम ही होता है। वाह। और इंसानों को जात धर्म में मत बांटो, मानवता का धर्म प्रेम ही होता बेशक, बेशक वाह वाह वाह, मानवता का धर्म प्रेम ही होता है, होता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मेरे बड़े भाई आदरणीय मुनीश जी का, जिन्होंने मुझे मवाना की धरती पे आमंत्रित किया है। मैं प्रयास करूंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं बात बात पर आपके दिल में उतरती रहूं, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। जिस तरह आप सभी को बहुत मन से सुन रहे हैं, मैं चाहती हूं मैं मवाना से जब दिल्ली जाऊं तो मेरी झोली मोहब्बत से भरी हो, बस यही मोहब्बत मुझे देते जाइएगा आप। मैं 4 पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। प्यार दिल में जगा कर तुम्हारे लिए, तालियां बजाइए दोस्तों, इसी तरह से सुना जाता है मुक्तक को, कि प्यार दिल में जगा कर तुम्हारे लिए, वाह वाह, लाई सपने सजा कर तुम्हारे लिए, प्यार दिल में जगा कर तुम्हारे लिए, लाई सपने सजा कर तुम्हारे लिए, अपने पावन हृदय में बिठा लो मुझे, अपने पावन हृदय में बिठा लो मुझे, आई हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे, आई हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए, और जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत में वादे होते हैं, वो वादे होते हैं वो क्या कहते हैं सुनिएगा,
कि प्यार सारा तुम्हीं पर लुटाऊंगी मैं। क्या कहें, दिल से दिल का ये रिश्ता निभाऊंगी मैं। प्यार सारा तुम्हीं पर लुटाऊंगी मैं, दिल से दिल का ये रिश्ता निभाऊंगी मैं। रूठ कर तुम कहीं जब चले जाओगे, रूठ कर तुम कहीं जब चले जाओगे, पास आकर तुम्हारे मनाऊंगी मैं। पास आकर तुम्हारे मनाऊंगी मैं, कि गुल से महको सदा खार दे दो मुझे। गुल से महको सदा खार दे दो मुझे, गुल से महको सदा खार दे दो मुझे। जीत जाओ भले हार दे दो मुझे, वाह वाह। जीत जाओ भले हार दे दो मुझे, मैं तो जी लूंगी जीवन तुम्हारे बिना। क्या कहने, मैं तो जी लूंगी जीवन तुम्हारे बिना। चंद लम्हों का बस प्यार दे दो मुझे, हो का बस प्यार दे दो मुझे। क्या कह, राह में चांद तारे बिखर जाएंगे, हर दिशा के नजारे निखर जाएंगे। राह में चांद तारे बिखर जाएंगे, हर दिशा के नजारे निखर जाएंगे। मैं तुम्हें मांग लो तुम मुझे मांग लो, क्या कह रहे, मैं तुम्हें मांग लो तुम मुझे मांग लो, प्रेम के दो किनारे सवर जाएंगे। वाह वाह, प्रेम के दो किनारे सवर जाएंगे, प्रेम के दो किनारे सवर जाएंगे। वाह, आप इतनी ही मोहब्बत देंगे? नहीं, थोड़ा सा रजनी, थोड़ा सा गैप दीजिए ने, ये समझ नहीं पा रहे हैं आप इतने फिल्मों पढ़ रही हैं, तो या तो ये एक साथ दो काम कर रहे हैं, ये सुन भी रहे और साथ देख भी रहे हैं, दो दो जिम्मेदारी जब आप निभाएंगे तो इस तरह से खामोशी आ जाएगी। थोड़ा सा आदत तो नहीं होनी चाहिए, जिंदा दिल रहिए, थोड़ा सा समझा करिए शेर, जो समझ में आए तो तालियों से इस्तकबाल भी किया करिए। सुनिएगा जी, एक शेर आपके हवाले रखती हूँ कि एक सा सिलसिला नहीं होता। वाह, कि एक सा सिलसिला नहीं होता और वक्त का कुछ पता नहीं होता। वाह, कि एक सा सिलसिला नहीं होता और वक्त का कुछ पता नहीं होता। इश्क में मंजिलें होती हैं मगर, इश्क में मंजिलें होती हैं मगर, रास्तों का कुछ पता नहीं होता। रास्तों का कुछ पता नहीं होता। बस कुछ इसी क्रम में आपसे जुड़ती रहूंगी जी। और जैसा कि निजामत कर रहे मेरे बड़े भाई ने कहा कि आप बहुत तेजी से पढ़ रही हैं, आप तक बात पहुंच नहीं पा रही है, तो मुझे तो लगता है कि मवाना के जो लोग हैं पहले से ही बहुत तेज हैं। अब यहाँ देखिए कि वहां से चाय वाले आ रहे थे, आपने चाय वाले को रोक दिया, आप तो इतनी ताकत रखते हैं जी। तो आप कितने तेज हैं, आप इशारों में अपनी बात कर जाते हैं, तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से आपसे बात कर रही हूँ मैं, संवाद कर रही हूँ मैं, तो आप तक बात पहुंचनी चाहिए और यदि पहुंच जाए तो आपका प्यार मुझे मिलना चाहिए। सुनिएगा, न राधा हूँ न मीरा हूँ इसे स्वीकार करती हूँ, न राधा हूँ न मीरा हूँ इसे स्वीकार करती हूँ, मगर हर शेम मोहन मैं तेरा दीदार करती हूँ, मगर हर शेम मोहन मैं तेरा दीदार करती हूँ। न राधा हूँ न मीरा हूँ इसे स्वीकार करती हूँ, मगर हर शेम मोहन मैं तेरा दीदार करती हूँ। मेरे आँखों की भाषा ही मेरे मन की भी भाषा है, मेरे आँखों की भाषा ही मेरे मन की भी भाषा है, कभी फुर्सत में पढ़ लेना ये
यही मनुहार करती हूँ, कभी फुर्सत में पढ़ लेना, यही मनुहार करती हूँ, कभी खुद में सिमटती हूँ, कभी श्रृंगार करती हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये कुमार मुनी शख्स है। खुद में सिमटती हूँ, जब मोहब्बत हो जाती है तो अक्सर मोहब्बत में लड़कियाँ सिमटी सिमटी रहती हैं, खोई खोई रहती हैं, तब ये चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। कभी खुद में सिमटती हूँ, कभी श्रृंगार करती हूँ, तेरी तस्वीर से बातें हजारों बार करती हूँ, तेरी तस्वीर से बातें हजारों बार करती हूँ। मिलन की आस तो कम है मगर इस बात में दम है, मिलन की आस तो कम है मगर इस बात में दम है। मेरे आराध बस तुम हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे आराध बस तुम हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पहली पंक्ति में एक दादाजी हैं, बहुत बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि सभी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। मैं चार बात एक बात उनके लिए कहना चाहती हूँ कि नहीं रजनी, इतने ज़हीर भी नहीं कि आप उन्हें दादाजी कहें, चचा भी कहकर काम चला सकती हैं। जी चाचा से अगर काम चल जाएगा तो अग्रिम प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी लोगों को ये समर्पित करती हूँ अपनी बात में, सुनिएगा कि ज्यादा सोचोगे तो सवाल बन जाओगे, कि ज्यादा सोचोगे तो सवाल बन जाओगे, मोहब्बत में किस्सों के बवाल बन जाओगे, और यूं खांस खांस कर हमको इशारा ना करो, अरे इतना खांसोगे तो केजरीवाल बन जाओगे। वाह भाई वाह, खांसोगे तो केजरीवाल बन जाओगे। और मैं उसी क्रम में आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ, उसके बाद एक गीत पढ़ूंगी और उसके बाद जैसा आप चाहेंगे वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, सुनिएगा। मेरी चाहत भरे नगमे को जब तुम गुनगुनाओगे, क्या कहने, मेरी चाहत भरे नगमे को जब तुम गुनगुनाओगे, अंधेरों में मोहब्बत के उजालों को बुलाओगे, अंधेरों में मोहब्बत के उजालों को बुलाओगे, कभी खुद को माफ कीजिएगा। मेरी चाहत भरे नगमे को जब तुम गुनगुनाओगे, अंधेरों में मोहब्बत के उजालों को बुलाओगे, कभी खुद को अकेला जान कर मायूस मत होना, कभी खुद को अकेला जान कर मायूस मत होना, हृदय में झांक कर देखो सदा हमको ही पाओगे, हृदय में झांक कर देखो वा, 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 सदा हमको ही पाओगे। और जो युवा मोहब्बत करते हैं, मैं उनके नाम ये चार पंक्ति देना चाहती हूँ, मोहब्बत कीजिए, बहुत कीजिए, लेकिन क्या मत कीजिए। मैं आपके नाम ये पैगाम देती हूँ, सुनिएगा। यूं अंतर मन के उपवन को कभी मरुथल नहीं करना, वाह, यूं अंतर मन के उपवन को कभी मरुथल नहीं करना, हाँ दिल की बात कहने में कभी तुम कल नहीं करना, बहुत अच्छा है, दिल की बात कहने में कभी तुम कल नहीं करना, यूं अंतर मन के उपवन को कभी मरुथल नहीं करना, हाँ दिल की बात कहने में कभी तुम कल नहीं करना, जिसे तुम दिल से चाहोगे वो चाहत मिल ही जाएगी, जिसे तुम दिल से चाहोगे वो चाहत मिल ही जाएगी, अगर मिल जाए वो चाहत तो उससे छल नहीं करना, अगर मिल जाए वो चाहत तो उससे छल नहीं करना, हम उससे छल छल नहीं करना। और इसके साथ में गीत और सुनना चाहती हूँ, यदि आदेश हो तो सुनेगा, बस एक लंबा गीत है लेकिन केवल उसके दो बंद रखते हुए मैं अपना स्थान लेती हूँ, सुनेगा। स्वागत, सुनिए दोस्तों। विवाह की तिथि नजदीक आ जाती है, लड़का लड़की ने आपस में एक दूसरे को देख लिया है, निमंत्रण पत्र छप चुके हैं,
शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, लेकिन जो उनके मन की स्थिति है वो क्या है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि मुझको ले चल अपने द्वार के दिल ये होले होले बोले, वाह 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 वाह। अपने होने वाले पति से पत्नी क्या कहती है और क्या मनोहार करती है उसे सुनिएगा। कि मुझको ले चल अपने द्वार के दिल ये होले होले बोले, मुझे ले चल अपने द्वार के दिल ये होले होले बोले, दिल ये होले होले बोले सैया खाए रे हिचकोले, मुझको ले चल अपने द्वार के दिल ये होले होले बोले, ले चल अपने द्वार के दिल ये होले होले बोले। सावन की ठंडी हवाओं में जब चूनर लहराए, जब चूनर लहराए, सावन की ठंडी हवाओं में जब चूनर लहराए, जब चूनर लहराए, मुझको तेरी याद बलम जी याद बहुत ही आए, याद बहुत ही आए, है तुझ संग जीवन में रसधार के दिल ये होले होले, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुझे ले चल अपने द्वार के दिल ये होले होले बोले, मुझे भाई साजन द्वार के दिल ये होले होले बोले, जब चौखट पर आहट आए मैं दौड़ी सी जाऊं, मैं दौड़ी सी जाऊं, आंखों में आंसू आ जाए जब तुझको ना पाऊं, जब तुझको ना पाऊं, जब चौखट पर आहट आए मैं दौड़ी सी जाऊं, मैं दौड़ी सी जाऊं, आंखों में आंसू आ जाए जब तुझको ना पाऊं, जब तुझको ना पाऊं, मिलन की बेला कर तैयार के दिल ये होले होले बहुत बोले, अच्छा है, वाह। मुझे ले चल अपने द्वार के दिल ये होले होले बोले, मुझे भाई साजन द्वार के दिल ये होले होले बोले। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहतरमा रजनी सिंह अवनी साहिबा ने गीत भी पेश किया, और उन्हें पहले ही कह दिया था कि ये एक महिला अपने होने वाले पति से मुखातिब है, तो इसलिए हमारे कुछ नौजवान खामोश भी हो गए, अगर ये बात वाजे नहीं की जाती तो हर कोई अपना तस्वुर कर सकता था। बहरहाल हालात ये थे, कुछ लोग बड़ा खोए हुए थे देखने में कि सीने में तूफान दबाना पड़ता है। चाचा जी, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। उनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। उनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। आइए दोस्तों, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और उस शायर का मैं इंतखाब करना चाहता हूं जिसकी बदौलत हम सब यहां यकजा हुए हैं, जिसकी मेहनतों से, जिसकी काविशों से ये बहुत खूबसूरत मुशायरा है मुनक़िद हुआ, और ये उसकी काविशें सिर्फ हम लोगों को तस्लीम नहीं बल्कि नगर पालिका ने भी तस्लीम की है, अहले मवाना ने भी तस्लीम की है। वो शायर जिसका बड़ा अपना मखसूस लबो लहजा है, जितना अच्छा लहजा है उतना ही अच्छा उसका अखलाक है, और उसी अखलाक की बदौलत आप यहाँ जो हिंदुस्तान के चमकते हुए सितारे देख रहे हैं वो आपके शहर मवाना में जलवागर है। मैं सिर्फ चार मिसरे उनके हवाले से ये पढ़ना चाहता हूँ कि मेरा सपना मेरी ख्वाहिश मेरा अरमान तुझसे है, मेरा सपना मेरी ख्वाहिश मेरा अरमान तुझसे है, मेरा हर शेर हर नगमा हर एक उनवान तुझसे है, और तरक्की में मेरी शामिल है सबके प्यार का जज्बा, ऐ मेरे शहर की मिट्टी मेरी पहचान तुझसे है, ऐ मेरे शहर की मिट्टी मेरी पहचान तुझसे है। आप ही की मिट्टी का शायर जनाब कुमार मुनीश अक्स से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, तशरीफ लाएं और अपने मखसूस कलाम से नवाजें। जोरदार ताली से इस्तकबाल। शुक्रिया संचालक महोदय। सुनेंगे
और नहीं हक बनता है उनका। सुनिए थोड़ा शुक्रिया संचालक महोदय, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय यो साहब का और आदरणीय चेयरमैन साहब का, जिन्होंने आज इतना सुंदर मुशायरा यहाँ मवाना की सरजमीन पर इतने बड़े बड़े शायर और शायरात यहाँ आए हैं, सब उनकी बदौलत हुआ है। सबसे मैं चाहता हूँ सबसे पहले तालियाँ इनके लिए हो जाए, यो साहब के लिए और चेयरमैन साहब के लिए। मैं आभार प्रकट करता हूँ सब भाई बहनों का, सभी शायरों का जिन्होंने यहाँ आकर इस मंच को मंच की शान बढ़ाई है, मैं इनके लिए भी तालियां एक बार हो जाए। मेरी शुरू से ही सब जानते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता वाला इंसान रहा हूँ, शुरू से ही मेरी मुस्लिमों से दोस्ती रही है। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि मुस्लिमों के बारे में गलत विचार रखते हैं, कहते हैं कि इन्हें देश से प्यार नहीं है या गद्दार जैसे शब्द यूज करते हैं, उनके लिए मुझे बड़ा दुख होता है। और मैंने एक गीत लिखा है जी, स्वागत सुनाना चाहूंगा मैं। दिखता तुम्हें क्यों मुल्क के लिए प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, मेरे देश का मोमिन कोई गद्दार नहीं। बहुत अच्छा है, वाह वाह। मेरे देश का मोमिन कोई गद्दार नहीं है, और उतना ही प्यार मुस्लिम भी अपने देश से करते हैं, सरजमी से करते हैं, जितने हिंदू करते हैं। मैं कुछ चंद बंदों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कुछ मुस्लिम देशभक्तों की कहानी। जब देखी अक्स गोरों की दबंगाई थी, तब तलवार टीपू की चमचमाई थी। क्या कह रहे, इन गोरों को तो टीपू ने चुन चुन के थमारा, जीवन हार बैठा पर जंग नहारा। वाह वाह वाह। जब देखी अक्स गोरों की दबंगाई थी, तब तलवार टीपू की चमचमाई थी, इन गोरों को तो टीपू ने चुन चुन के थमारा, जीवन हार बैठा पर जंग नहारा। कोई टेढ़ी नजर देखे ये तैयार नहीं है, मेरे मुल्क का मोमिन कोई गद्दार नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। शुक्रिया शुक्रिया। दुश्मन ने धोखे से पीठ पे था वार किया। क्या कहने। रात के अंधेरे में सीमा को पार किया, तब सात पैटर्न नष्ट कर भारत को ढाल दी। अब तुल ने देश भक्ति की कैसी मिसाल दी। क्या कह रहे। दुश्मन ने धोखे से पीठ पे था वार किया, रात के अंधेरे में सीमा को पार किया, वा, वा, तब सात पैटर्न नष्ट कर भारत को ढाल दी। अब तुल ने देश भक्ति की कैसी मिसाल दी। वा, 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 वा। किसी को भी द्रोही कहने का अधिकार नहीं है, वा, वा, वा। वा, वा, मेरे मुल्क का मोमिन कोई गद्दार नहीं है। हौसला फिरंगियों का तब ही था टूटा, काकोर में बिस्मिल के साथ ट्रेन को लूटा, अशफाक ने भी देश के लिए प्राण त्याग थे, हिम्मत शहीदों की देख ही अंग्रेज भागे थे। हौसला फिरंगियों का तब ही था टूटा, काकोर में बिस्मिल
के साथ ट्रेन को लूटा। अशफाक ने भी देश के लिए प्राण त्यागे थे, हिम्मत शहीदों की देख ही अंग्रेज भागे थे। इस मुल्क पे आचा ये स्वीकार नहीं है, मेरे देश का मोमिन कोई गद्दार नहीं है, अब्दुल गफार का ये नाम कैसे भूलोगे। इस मुल्क को दिया योगदान कैसे भूलोगे। कैसे उतारोगे देश भक्तों का कर्जा। गफ्फार को सीमांत गांधी का मिला दर्जा। अब्दुल गफ्फार का ये नाम कैसे भूलोगे। इस मुल्क को दिया योगदान कैसे भूलोगे। कैसे उतारोगे देश भक्तों का कर्जा। गफ्फार को सीमांत गांधी का मिला दर्जा। क्या ये सभी सम्मान के हकदार नहीं। बेशक वाह। मेरे मुल्क का मोमिन कोई गद्दार नहीं। जिंदाबाद। वाह। ये डॉक्टर साहब हौसला अफजाई करते हुए और वाकई बिल्कुल हकीकत बयान कर रहे हैं बड़े हौसले के साथ। और अंतिम बंद इसका। अबुल कलाम भी थे और अब्दुल कलाम थे। ये दोनों ही तो मुल्क की इज्जत का नाम थे। एक ने शिक्षा की अलकियां जगाई थी, दूजे ने रक्षा प्रणाली और बढ़ाई थी। अबुल कलाम भी थे और अब्दुल कलाम थे। ये दोनों ही तो मुल्क की इज्जत का नाम थे। एक ने शिक्षा की अलकियां जगाई थी, दूजे ने रक्षा प्रणाली और बढ़ाई थी। इनसे तो ज्यादा कोई वफादार नहीं है। बेशक बेशक वाह। मेरे मुल्क का मोमिन कोई गद्दार नहीं है। इतिहास के पन्नों को पलट करके तो देखो, पलट करके तो देखो। ऐसी तो कोई कौम भी दिलदार नहीं। बहुत अच्छा है भाई। वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा मिसरा है। वाह भाई वाह। जिंदाबाद। दोस्तों बहुत खूब और बड़े खुशी हुई मुझे कुमार मुनीश अक्स साहब ने बड़े ही हौसले और जिम्मेदारी के साथ वो सच्चाई बयान की कि जिसे कहते हुए आजकल का इंसान हिचकिचाता है। और बल्कि बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि उनका नाम कुमार मुनीश अक्स जरूर है, मगर असल में वो इंसानियत का आईना है। आइए दोस्तों, जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। और अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है। जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। हजरात बहुत खूबसूरत आपका मुशायरा और बहुत खूबसूरत फहरिस्त। आप सबकी निगाहें जमी हुई हैं और पूरे मुशायरे के तसलसल से आप वाकिफ हैं कब किसका नंबर आना है। मगर इस वक्त मैं चाहता ये हूँ कि थोड़ी देर को जो आप खामोश हुए थे तो एक हिंदू मैथोलॉजी को जो मैंने पढ़ा है तो उसमें वाक्य मैंने ये पढ़ा है कि जब स्वामी विश्वमित्र जब अपनी तपस्या में लीन थे तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक मेनका को उतारा गया था। मैं चाहता ये हूँ कि मवाना वालों की तपस्या भंग करने के लिए एक मोनिका को दावत कलाम दी जाए और जिससे सवाब तरोताजा हो जाए, अपनी संजीदगी तोड़कर आपके लबों पर शगुफ्तगी आ जाए। तो मैं दरखास्त करना चाहता हूँ मोहतरमा मोनिका दहलवी से कि आईना कब बनाओगी मुझको,
आईना कब बनाओगी मुझको, मुझसे किस दिन मिलाओगी मुझको, अपना कंगन समझ रखा है क्या और कितना घुमाओगी मुझको, अपना कंगन समझ रखा है क्या और कितना घुमाओगी मुझको। जोरदार तालियों से आपकी मेहमान कवियत्री मोहतरमा मोनिका धन जी। अभी तो वो आई है, अभी कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा तसल्ली रखिए। माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। श्रृंगार की कवित्री हूँ, गीत गजल मोहब्बत की बातें करती हूँ, चार चार पंक्तियों से जुड़ना चाहती हूँ। यदि कोई पंक्ति अच्छी लगे तो आपका समर्थन आपका प्यार चाहूंगी। निवेदन, चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। निवेदन की चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। रसधार गीत गजलों की बहाने आई, वाह रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ। सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला, सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला, अब आपका भी प्यार आजमाने आई। अब आपका बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। चार पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ, जो लोग बातें कर रहे हैं उनके लिए बस इतना कहना चाहती हूँ, बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, हमारे साथ ही ऐसा या सबके साथ करते हो, और तुम्हारे ही लिए आए हैं फिर ये बेरुखी कैसी, इधर कविता मैं पढ़ती हूँ उधर तुम बात करते हो। अरे वाह 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 वाह। देखिए थोड़ा सा आपका मन चाहूंगी, यदि आप सुनेंगे तो 5 से 10 मिनट मैं भी अच्छा सुनाने का प्रयास करूंगी। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, क्या क्या ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, तेरा नाम होठों पे आया नहीं है, तेरा नाम होठों पे आया नहीं है, तुझे भूल जा मजबूरियाँ थी, तुझे भूल जाना भी मजबूरियाँ थी, मगर दिल किसी से लगाया नहीं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, मगर बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। वाह वाह वाह, आप तो ऑलरेडी जगे हुए थे जी, आगे की पंक्ति तो बहुत ज्यादा जगी हुई है। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, क्या कहें, दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं, और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये ना समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, देखिए आपका मन चाहूंगी, चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मगर मोनिका ये बड़ा मोहब्बत करने वाले लोग हैं मवाना के, आप कई बार यहाँ तशरीफ ला चुकी हैं, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, ये आपकी मैं बात मोनिका तक पहुँचाना चाहता हूँ कि बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, और जमाने भर में आशिक, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, हमें तुम जो समझते हो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। तो थोड़ा सा माहौल दीजिए मोनिका, अब से पहले जिस तरह से पढ़ती आई उसी तरह से अपना कलाम पेश कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल जी, हमेशा अच्छी निसामत करते हैं, मुझे अक्सर उनके साथ पढ़ने का मौका मिलता है।
लेकिन आज मेरा मन है कि आप लोग मुझे कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके दिल तक पहुंचूं। आप वैसे ही बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो मैं पढ़ना चाहती हूं। आदरणीय सुन लीजिए। जी शुक्रिया। सुनिएगा। मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो। वाह वाह। गजल का मतलब रखती हूँ, सुनिएगा। मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, पुकारा करो, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, एक दिन बिन हमारे। वाह वाह वाह। नहीं चचा बैठिए थोड़ी देर, थोड़ा सा मुशायरा और है। ये बड़े खूबसूरत शोरा आप देख रहे हैं कि ये कदर करना चाहिए। दोस्तों उसी तरह सुनिए, जुड़ जाइए। सुनिएगा। मतलब भी समेट के ले गए और चल भी दिए, मेरा मतलब साथ में ले चले। सुनिएगा। मुझको तन्हाइयों में पुकारा कर, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो। वा, 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 और ये आपके लिए शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तेरी आंखें न बदनाम करे दे मुझे, 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 पागलों की तरह मत निहारा करो, पागलों की तरह मत निहारा करो। और ये शेर भी सुनिएगा, पढ़ती हूँ सुनिएगा। जान जी जी जी, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, मैं सबके लिए पढ़ रही हूँ, आप सब इस पे अमल कर सकते हैं। ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान दे आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो, आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो। वाह बहुत अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमार मुनीशर साहिब इस्तकबाल करते हुए, आप भी शामिल हो जाया करें दोस्तों इस इस्तकबाल में। वाह वाह वाह। दिल में तेरी बेचैनी, ये आपके लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। पीछे का मौला, हाँ सुनिएगा। दिल में तेरे बेचैनी, आंखों को नम छोड़ जाएंगे, दिल में तेरे बेचैनी, आंखों को नम छोड़ जाएंगे, तुम क्या हमें छोड़ोगे, तुमको खुद हम छोड़ जाएंगे, तुम क्या हमें छोड़ोगे, तुमको खुद हम छोड़ जाएंगे, तेरी बेवफाई के सारे सितम साथ ले चले, तेरी बेवफाई के सारे सितम साथ ले चले, अपनी वफा चाहत के तुझ पे करम छोड़ जाएंगे, अपनी वफा चाहत के तुझ पे करम छोड़ जाएंगे। गजल खत्म, तालियां बजाइए। वाह वाह वाह। ऐसे डूब के सो रहे थे।
सुनिएगा, एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। देखिए आपको हाशिम जी को सुनना है और आज मुमताज नसीम दी यहाँ पर हैं, तो जब वो होती हैं तो आप समझ सकते हैं उनको सुनने का मेरा भी मन रहता है। तो मैं पढ़ती हूँ एक गीत, छोटा सा 2 मिनट का है, बस आपका मन चाहूंगी, 2 मिनट आप अपना मन मुझे दे दीजिए, मैं आप तक पहुँचती हूँ, आपके दिल तक पहुँचती हूँ। सुनिए क्या कह रही हूँ, जोर से बोलो थोड़ा, मुंह मुंह में बोल रहे हो, सुनिएगा, आप अपनी मोहब्बत यहाँ आके बताइए, सुनिएगा। फुर्सत हो सितारों की, देखिए मेरी पहचान का गीत है, आप तक पहुंचाती हूँ और उम्मीद करती हूँ इतने मन से आपने अभी तक सुना वो मन मुझे देंगे, सुनिएगा। फुर्सत हो सितारों की बारात में आ जाओ, फुर्सत हो सितारों की बारात में आ जाओ, तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ, तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। बंद सुनिएगा। कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा, कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा, 16, 17, 18, 3 साल यार मैंने तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा, तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा, तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ, तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ, तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। मोनिका आज के गीत का कमाल ये हुआ कि इंसान तो इंसान, जानवरों तक पे मोहब्बत कायम हो गई। नहीं वैसे भी मैं जानवरों से ज्यादा प्यार करती हूँ जी। सुनिएगा ये बंदी आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। देखिए एक सच्चा बंद आपके बीच रखना चाहती हूँ, नहीं पड़ी। तुम्हें चांद देखना है तो रात में आ जाओ, एक सच्चा बंद आपके बीच रखना। लैला मजनू अशरी फरहाद मार कर, मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए, वाह। लैला मजनू अशरी फरहाद मार कर, मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए, फिर भी जीवित है मोहब्बत दिलों में आज, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए, दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ, दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ, तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ। और ये अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अंतिम बंद में आपकी विदाई की ताली, देखो चाचा को शर्म भी नहीं आ रही, कितनी बातें कर रहे हैं, मेरी कितना मेरे पूरे काव्य पाठ का सत्यानाश किए जा रहे हैं, आगे बैठे बैठे कैसे पंचायत किए जा रहे हैं। अच्छा इनका भी कोई दोष नहीं है, 4 पंक्तियां इनके लिए पढ़ दूं क्या? कैद दिल में ये जान हो जाए, इनका दोष नहीं है, आज मंच बहुत खूबसूरत है, दीदी बैठी हुई है और आप देख रहे हैं। कैद दिल में ये जान हो जाए, इश्क जब मेहरबान हो जाए, इश्क जब मेहरबान हो जाए, हुस्न जब इश्क पर उतरता है, हुस्न जब इश्क पर उतरता है, बूढ़ा बूढ़ा जवान हो जाए, बूढ़ा बहुत खूबसूरत मुशायरा आप सुन रहे हैं। जब जब भी शेर आया आपने शेर की पजीराई की, इस साबित किया कि मवाना की सरजमीन यकीनन जरखेज जमीन है, यहाँ शायर की हिफाजत होती है, यहाँ शेर की हिफाजत। अभी हमारी फहरिस्त में सिर्फ 4 शोरा बचे हैं, अभी आपको मुमताज नसीम साहिबा तक पहुंचना है,
हाशिम फिरोजाबादी साहब को सुनना है, अफजल मंगलौरी साहब तक पहुंचना है। आधी रात से ज्यादा का वक्त है, यकीन मानिए हमारे यहाँ आने की कुछ गरज हो सकती है, लेकिन आप बेलौस अपना वक्त लेकर बैठे हैं। मैं सलाम करता हूँ आपकी समातों को। उर्दू का मुस्तकबिल यकीनन महफूज है। मैं चार मिसरों के साथ अभी तक जो बहुत खूबसूरत मुशायरा चला रहे थे उन तक पहुंचना है। बयक वक्त वह खूबसूरत इंसान भी है, वह खूबसूरत नाजिम भी है और एक खूबसूरत शायर भी है। मैं मेरी मुराद हिलाल साहब से है जो बदायूं से यहां हमारे बीच तशरीफ। चार मिसरों के साथ उन्हें दावत कलाम देता हूं। हर सहाफी से जुदा मैंने सहाफत की है, कैद लफ्जों के शिकंजे में कयामत की है। और तबसरा हुस्न पे यूं ही नहीं करना आया, मैंने बरसों तेरे चेहरे की तिलावत की है। आपके बीच बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। और दोस्तों बड़ा तहजीब का मुशायरा आपका ये रहा, और कोई भी ऐसी आवाज ना आए कि मुझे ये कहना पड़े कि अगर ये आवाज लगानी है तो आपको कब्रिस्तान तक जाना होगा। बहरहाल आपकी तहजीब का मुशायरा, तहजीब की महफिल। आई हजरात, थोड़ा सा वक्त लूंगा मैं जो मेरा अपना एक फरीजा है, और मेरे बाद जनाबे डॉक्टर अफजल मंगलौरी, मोहतरमा मुमताज नसीम, जनाबे हाशिम फिरोजाबादी, और ये मुशायरा मुकम्मल हो जाएगा। जो इस मुशायरे का मकसद था उस मिजाज से मैं शुरुआत करता हूँ। सभी मेरे अपने हैं, बुजुर्ग हैं। मैं जो भी हूं मोहब्बत की परस्तिश कर रहा हूं, मैं जो भी हूं मोहब्बत की परस्तिश कर रहा हूं मैं, जमाना ये समझता है कि साजिश कर रहा हूं मैं। मैं जो भी हूं मोहब्बत की परस्तिश कर रहा हूं मैं, जमाना ये समझता है कि साजिश कर रहा हूं मैं। और यूं साहब मुझे इस मुल्क की तहजीब को हर पल बचाना है, मुझे इस मुल्क की तहजीब को हर पल बचाना है। वतन में हर किसी से ये गुजारिश कर रहा हूं मैं, वतन में हर किसी से ये गुजारिश कर रहा हूं मैं। और कुछ शेर पड़े थे, पड़े गए थे इस मुशायरे में, और उसी जमीन पर मुझे ये दो तीन शेर जो ऐसे आपका जो जश्न आजादी का ये मुशायरा है तो मेरे जहन में आ गए। चौधरी रमनवाज साहेब, नीरज खटीक साहेब, यू साहेब हमारे साहेब और दीगर जो हजरात है। अब मुशायरा बड़ा आपका संजीदा है, थोड़ा सा उसी तरह से बैठ जाइए, मैं हाजिर करता हूँ। और यहाँ से जरा मुझे इजाजत दीजिए अपनी तालियों कि मैं चार छह मिनट आपके बीच यहां हाजिर रह सकूं। मतलब यूं हाजिर करना चाहता हूं यूं साहिब के, काश रहबर मिला नहीं होता। एमएन सैफी साहिब और अब्दुल कलाम मेरे बड़े अच्छे ये दोस्त अहबाब, काश रहबर मिला नहीं होता मैं सफर में लुटा नहीं होता। काश रहबर मिला नहीं होता मैं सफर में लुटा नहीं होता। आग नफरत की जिसमें लग जाए पेड़ फिर वो हरा नहीं होता। आग नफरत की जिसमें लग जाए पेड़ फिर वो हरा नहीं होता। हम शराबी अगर नहीं बनते, हम शराबी अगर नहीं बनते एक भी मैं कदा नहीं होता। हम शराबी अगर नहीं बनते एक भी मैं कदा नहीं होता। जिन दो अशार की वजह से मैंने ये शेर पढ़े मेरे बाद तीन थ्री स्टार हैं मुमताज साहब, अफजल भाई, हाशिम भाई, और इन तीनों की तवज्जो के हम शराबी अगर नहीं बनते एक भी मैं कदा नहीं होता। और शेर देखें यू साहब कि हिंदू मुस्लिम में फूट मत डालो, हिंदू मुस्लिम में फूट मत डालो, भाई भाई जुदा नहीं होता। हिंदू मुस्लिम में फूट मत डालो, भाई भाई जुदा नहीं होता। हासिल जो इसका जो शेर मुझे पसंद है, आप सब यहाँ मौजूद हैं, भाई भाई जुदा नहीं होता। और दोस्तों उसी तरह से अगर आप तक पहुंचे तो मुझे यहाँ से बताइएगा, भाई भाई जुदा नहीं होता। मंदिरों मस्जिदों पे लड़ते हो, मंदिरों
मस्जिदों पे लड़ते हो, मंदिरों मस्जिदों पे लड़ते हो, क्या दिलों में खुदा नहीं होता? मंदिरों मस्जिदों पे लड़ते हो, क्या दिलों में खुदा नहीं होता? मसलहत कुछ तो है हिलाल इसमें, जलजला यूं बपा नहीं होता। अब जो चार छह शेर जो मेरी अपनी शनाख्त ही माहौल था ही सुनाए, कम वक्त लूंगा, सोचता हूं कि ज्यादा अशार आप तक पहुंच जाए। चचा बड़ा जिंदा दिल तरीके से मुशायरे को समाप्त कर रहे, और खूबसूरती की बात ये थी कि हाशिम भाई और मुमताज साहेब भाई, अफजल भाई और तमाम शोरा जो हमारे अरशद भाई बैठे हैं, मुनीश अख साहेब ने ये अच्छी बात रखी कि फहरिस जो थी बड़ा सेलेक्टेड होता ही है कि जब 20-22 शोरा होते हैं तो बड़ा एक टेंशन रहती है नाजिम के ऊपर भी, और हर शायर को भी ये दिक्कत रहती है कि उसका नंबर कब आएगा। मैं 2-4 मिनट की गुफ्तगू करना चाहता हूं, और चचा बताओ खास कि खामशी में डुबो नहीं सकते, और इसी फिलो से सुन लीजिएगा आप, कि खामशी में डुबो नहीं सकते, आंसुओं से भिगो नहीं सकते, गुनगुनाते हैं कितने लोग मुझे, मेरे अल्फाज खो नहीं सकते। गुनगुनाते हैं कितने लोग मुझे, मेरे अल्फाज खो नहीं सकते। जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। बड़ा खामोश है दोस्तों, इतना दकीक अल्फाज में मैं नहीं पहुंचा रहा आप तक शेर, मगर थोड़ा सा जाग जाएंगे तो मेरे बाद जो एक खूबसूरत माहौल आपको देना है वो उस तरह से आप तरोताजा रहेंगे। मैं 2-4 कतात और सुनाना चाहता हूं, वही डुबो नहीं सकते, वो 2-4 कतात आपके मिजाज के मुताबिक, कि जो गुजारे हैं मैंने साथ उसके, जो गुजारे हैं मैंने साथ उसके, बस वही लम्हे मेरे काम के हैं। जो गुजारे हैं मैंने साथ उसके, बस वही लम्हे मेरे काम के हैं। उसने सिंदूर जो लगाया है, उसने सिंदूर जो लगाया है, उसमें कुछ जर्रे मेरे नाम के हैं। उसने सिंदूर जो लगाया है, उसमें कुछ जर्रे मेरे नाम के हैं, उसमें कुछ जर्रे मेरे नाम के हैं। और शेर देखें कि अब उसे भूलना ही बेहतर है, अब उसे भूलना ही बेहतर है। याद तो सब किए नहीं जाते, मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू नहीं दिए जाते, मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू नहीं दिए जाते। और आखिरी ये कथा की, क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, दिल पे खुद चोट खाई है मैंने। इतने भी कीमती नहीं थे तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने, इतने भी कीमती नहीं थे तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने। आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि मेरे बाद ये 3-स्टार पोएट्स हैं, तो आइए दोस्तों, जिस आली मर्तबत शख्सियत का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ, जिसने खूबसूरत गीत से इस महफिल का आगाज किया, उनके इस्तकबाल में मैं अपने जज्बात का इजहार यही कर सकता हूँ कि तुम अपना नाम लिख देते हमारे नाम के आगे, तुम अपना नाम लिख देते हमारे नाम के आगे, तुम्हारे नाम के पीछे हमारा नाम हो जाता, तुम्हारे नाम के पीछे हमारा नाम हो जाता। तो आइए दोस्तों, दरख्वास्त करते हैं उस शख्सियत से जिसकी शायरी में तगज़ुल भी है, जिसकी शायरी में तसव्वुर भी है, जिसका मिजाज में खानकाही भी है, जिसके मिजाज में रूहानियत भी है, वो शायर जिसकी शायरी में गजल की पाकिजगी भी है, नफासत भी है, और तमाम खसूसियात जिस शायर की शायरी में नजर आती है, उस शायर का नाम नामी डॉक्टर अफजल मंगलोरी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर अफजल मंगलोरी जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप जरा बहुत अच्छा माशाल्लाह सुन रहे हैं, और इब्तदा जैसे हमारे बूढ़े भाई ने भी कही और हजरत ने भी कही कि मौवाना से ही इब्तदा हमारी हुई। त्यागी जी जब एमपी थे यहाँ पर, अमरपाल सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस ज़माने में, शाद साहब ने, शेख अब्दुल हई साहब ने, तमाम हजरात ने मुशायरे की, मलिक साहब कहाँ गए। हाँ, तो खुशी इस बात की है कि जो नई नस्ल है मौवाना की, इन्हें शायरी से, उर्दू से मोहब्बत है, नहीं तो इतनी देर में तो कहीं और अगर मुशायरा होता। ये नौजवान नस्ल बड़ी बेअदबी और न जाने कैसे जुमले आते हैं, लेकिन आज मुझे खुशी है कम से कम इन बुजुर्गों की वजह से आप में तरबियत हो रही है और उर्दू को आपको सीखना, आगे बढ़ाना है। आइए शुरू करता हूँ डॉक्टर साहब।
कि मेरे गंगा जमुनी उसूल है, मेरा फल सफा कोई और है। हमारे ईओ साहब यहाँ बैठे हैं राजीव कुमार जी, इस मुशायरे का मकसद ये है, ये मेला शहीद मेला है, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम एकता जो मवाना से वाकई जाती है पूरे हिंदुस्तान में, वो कहीं देखने को नहीं मिलती, बहुत कम शहरों में मिलती है। बहुत शुक्रिया। तो इसी के मद्देनजर कि मेरे गंगा जमुनी उसूल है, मेरा फल सफा कोई और है, मैं मोहब्बतों का हूँ राहरो, मेरा रास्ता कोई और है, मैं मोहब्बतों का हूँ राहरो। बहुत अच्छा मुनीश जी मेहनत करता है माशाल्लाह। ये इन्होंने कौम यकजहती की, खासतौर से आपके कौम की गमाजी की, एक बार इनके लिए मुनीश के लिए भी तालियां बजाओ। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, नफरत वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन ऐसी मोहब्बत वाले नहीं। बहुत शुक्रिया। मेरी गंगा जमुनी उसूल है, सुनो बेटा, मेरा फल सफा कोई और है, मैं मोहब्बतों का हूँ राहरो, मेरा रास्ता कोई और है। और तालियां तो शेर पे आनी चाहिए कि तू भी आदमी मैं भी आदमी, तो ये नफरतों की है बात क्यों, तू भी आदमी मैं भी आदमी, तो ये नफरतों की है बात क्यों, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इसी की जरूरत है। हाँ शुक्रिया, पढ़ता हूं मैं, तू भी आदमी मैं भी आदमी, तो ये नफरतों कि है बात क्यों, न तेरा खुदा कोई और है न मेरा खुदा कोई और है, मैं मोहब्बतों का हूँ राहरो। दो तीन शेर, एक बिल्कुल नई गजल हुई है, अगर सुनिए गजल के दो तीन शेर सुना दूं, फिर गजल सुना के बहुत कम आप, क्योंकि मवाने में जो शेर सुने जाते हैं वो सुनिएगा कि एक तरन्नुम से गजल पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं शेख अशार का हक अदा हो जाए कि इश्क में इस बार मुझको शान से मारा गया। वाह 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 वाह। इश्क में इस बार मुझको शान से मारा गया, बेवफाई से नहीं एहसान से मारा गया। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। आप सुनते हैं कि इश्क में इस बार मुझको शान से मारा गया, बेवफाई से नहीं एहसान से मारा गया, क्या खबर थी उनको मेरी जान है उस जान में, क्या खबर थी उनको मेरी जान है उस जान में, वो बहुत खुश थे कि मुझको जान से मारा गया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, अच्छे शेर की हिफाजत कर रहे हैं। और शेर सलामत फरमाएं कि ख्वाब दिखलाए गए झूठी मोहब्बत के मुझे, क्या कहने, ख्वाब दिखलाए गए झूठी मोहब्बत के मुझे, मैं वो दरिया हूँ जो रेगिस्तान से मारा गया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शेर सुनते हैं। देखिए इकला रसूलपुर से हमारे माहिर भाई यहाँ तमाम शायर शोरा बैठे हैं सफे सामईन में, और मैं तो समझता हूँ ये लोग भी शेर फैम हैं। बहुत शुक्रिया कि कत्ल करके मेरे अरमानों का मेरे सामने, क्या कहने, कत्ल करके मेरे अरमानों का मेरे सामने, जीते जी मुझको बड़े अरमान से मारा गया।
और शेर सुनिए जिस शेर को सुनाने के लिए कि हो गया कानून का खून मुंसिफों के सामने, हो गया कानून का खून मुंसिफों के सामने, बेगुनाहों को खुले ऐलान से मारा गया, बेगुनाहों को खुले ऐलान से मारा गया। और जब हलाकत का मेरी रास्ता ना कोई मिल सका, जब हलाकत का मेरी रास्ता ना कोई मिल सकाया, यूं किया फिर मुझको संविधान से मारा गया। जब हलाकत का मेरी रास्ता ना कोई मिल सका, भाई नवाज बहुत नवाज रहे हैं सबको माशाल्लाह, एक बार तालियां इनके लिए भी हो जाए तमाम सभासदों के लिए। जब हलाकत का मेरी रास्ता ना कोई मिल सका, यूं किया फिर मुझको संविधान से मारा गया। और जलजले के खौफ से मारे गए अहले मकान, जलजले के खौफ से मारे गए अहले मकान, बेघरों को दहशते तूफान से मारा गया। बहुत अच्छा है, वाह। बेघरों को दहशते तूफान से मारा गया। और इस शेर पर सबकी दाद आनी चाहिए, आपकी तर्जुमानी है कि बेखता मैं था वहां पर, इल्म था सबको मगर, वाह। बेखता मैं था वहां पर, इल्म था सबको मगर, भीड़ में मुझको मेरी पहचान से मारा गया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्र, वाह 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 अफजल भाई, वाह वाह। बेखता मैं था वहां पर, इल्म था सबको मगर, भीड़ में मुझको मेरी पहचान से मारा गया। और मक्ता सुनिए कि छीन ली यादें मेरी सब, यानी अफजल यूं किया, क्या कहने, छीन ली यादें मेरी सब, यानी अफजल यूं किया, जिंदगी को मौत के उनवान से मारा गया। वाह वाह वाह, जिंदगी को मौत के उनवान से मारा गया, जिंदगी को मौत के उनवान से मारा गया। और अब सुनिए एक गजल सुना देता हूँ जिसके लिए बिल्कुल ताजा गजल है, और फिर मैं आपको इजाजत आपको सुनना है, ताजा गजल ही सुना दूं आपके नौजवानों के मतलब की या बुजुर्गों के। चलिए अच्छा, आप भी नौजवान ही हैं माशाल्लाह, क्या अच्छा अच्छा। अरे तौबा तौबा ये कातिल जवान, अच्छी गजल है सुने दोस्तों। अरे तौबा तौबा ये कातिल जवानी, हर एक दिल पे खंजर से बरसा रही है। अरे तौबा तौबा ये कातिल जवानी, वाह, हर एक दिल पे खंजर से बरसा रही है। गिराएंगे बिजली वो अब जाने किस पर, खुदा जाने किसकी कजा रही है। अरे तौबा तौबा ये कातिल जवानी, सुनिएगा कि घनी जुल्फ़ शानों पे वो है बिखेरे, और अब रू की तलवार भी है तरेरे। घनी जुल्फ़ शानों पे वो है तरेरे, और अब रू की तलवार भी है तरेरे। कहीं हश्र बरपा न हो जाए यारो, सरापा कयामत चली आ रही है। अरे तौबा तौबा ये कातिल जवानी, और शेर सुनिएगा के कदम अज़्म के डगमगाने लगे हैं, बहुत अच्छा है। लबे आरज़ू कप कप आने लगे हैं, कदम अज़्म के डगमगाने लगे हैं, लबे आरज़ू
कपकपाने लगे हैं, सुना जब से मिलने वो आएंगे हमसे, मेरे दिल की धड़कन बढ़ी जा रही है। अरे तौबा तौबा ये कातिल जवानी। और आखिरी शेर आप सब लोग महसूस हो के है, हुस्नो शबाब अपनी जौलानियों पर है दोनों तरफ ही तगज़ुल का मंजर, है हुस्नो शबाब आज जौलानियों पर है दोनों तरफ ही तगज़ुल का मंजर, कलाम अपने शायर सभी भूल बैठे, गजल से गजल आज टकरा है, क्या है अच्छा मिसरा, कलाम अपने शायर सभी भूल बैठे। वाह वाह बहुत शुक्रिया अखिल साहब। और आखिरी शेर के अजब हुस्न बख्शा है तुमको खुदा ने, ये व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूं, अजब हुस्न बख्शा है तुमको खुदा ने, ये लगता है हाथों से अपने बनाया, ये लगता है हाथों से अपने बनाया, तुम्हारे बदन की बनावट के आगे अजंता की मूरत भी शर्मा रही है। वाह 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 वाह। अरे तौबा तौबा। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत दाद दी, बहुत इनके लिए तालियां। और अफजल मंगलौरी का ये मक्ता सुनिए के अभी हजरत कहने लगे कि सन 82 में आए थे, आज जो के तुम आपको ऐसे ही देखा है, तो मैंने ये मक्ता सुनिएगा आखिरी शेर और फिर इसके बाद इजाजत। जो बिंदास मस्ती में रहते हो हर पल, जो बिंदास मस्ती में रहते हो हर पल, बुजुर्गों से पाया ये नुस्खा मुकम्मल, जो बिंदास मस्ती में रहते हो हर पल, बुजुर्गों से पाया ये नुस्खा मुकम्मल, सदा महजबीनों में रहते हो अफजल, सदा महजबीनों में रहते हो अफजल, जवानी पलट कर तभी आ रही है। अरे तौबा तौबा ये कातिल जवानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। मुझे बताया मनीष भाई ने कि मेरी पहली हाजिरी है, लेकिन जहां तक मुझे याद है शायद मवाना पहले आया हूं कहीं, आया हूं नहीं, नहीं, अगर इतने लोग कह रहे थे इसका मतलब मैं आया हूं। बहुत शुक्रिया, चलिए आज फैसला कर लेता आया था कि नहीं आया था। बहुत शुक्रिया। तो एक मतला इजाजत है, सिर्फ एक मतला पढ़ता हूं, एक मतला पढ़ने की इजाजत दे दीजिए, मैं कुछ और पढ़ना चाहता था, एक मतला इजाजत है, मेरा मूड कुछ और था, मेरा मूड कुछ और था, लेकिन कुछ और बन गया। बड़ी शोख है वो लड़की, ये पलट नहीं है जी, ये कोई कव्वाली थोड़ी जो पलट है, नहीं आप बात आप बहुत अच्छा सुन रहे, इतना काफी है, जितना आप बोल रहे हो अब तो आप हमें बोल रहे, आपने पैसे दे के जब हम बुलाया हमें ही काम करना है। सुनिएगा मुझे एतमाद है दूसरे मिसरे पर इंशाल्लाह आप ताईद करेंगे। सुनिएगा अगर गजल हजरत अफजल मंगलौरी साहब तशरीफ रखते हैं और मेरे सब काबिले एहतराम है, मैं गजल का मतलब पेश करता हूं, सुनिएगा। ये मोबाइल बस रख लीजिए, अब रिकॉर्डिंग नहीं, आप उनके लिए बिल्कुल रिकॉर्ड न करें जो आराम कर रहे हैं, मुझे वही लोग सुने जो यहां बैठे हैं। बेशक बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही, वाह मैं नजर बचा रहा हूं
वो सलाम कर रही है। भाई वाह 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 है वो लड़की बड़े काम कर। आप वीडियो बनाएंगे जाके अपने गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, किसे किसे संभालूंगा यार। मैं नजर बचा रहा हूँ वो सलाम कर रही है, वो कभी सभी शोरा इकराम को नाश्ता सुबह मेरे घर करना है। नाश्ता बस एक ही शेर में काम। बड़ी शोक, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी शोक है वो लड़की बड़े काम कर रही है। मैं नजर बचा रहा हूँ वो सलाम कर रही है, वो कभी नजर उठा के क्या कह, वो कभी नजर झुका के। अफजल भाई, वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है कभी शाम कर रही है। भाई क्या तस्वीर दी है, वाह 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 हाशिम भाई वाह। एक मतला और पढ़ता हूँ, नजर उठाना, वाह वाह बहुत शुक्रिया। मतला यूं सुने के ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। क्या कह, ना दुश्मनी जो जहां बैठे मेरे लिए सब काबिले एहतराम है, अगर वाह ना करे तो हाथ उठा दे, मुझे लगे मुझे दुआएं दे रहे हैं। सुनिएगा, मेरे बुजुर्ग मुझे दुआएं दे रहे हैं। रईस अंसारी साहब का शेर है, दरख्त सर पे रहे सायवा रहे न रहे, बुजुर्ग जिंदा रहे आसमा रहे ना रहे, मेरे लिए खुशी की बात है। आप सफ में बैठे हो, मुझे दुआएं सुनेगा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। ताली 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 कमजोर है, थोड़े से आप कमजोर पड़ रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो खाली कुर्सी है ना, ये भी तालियां बजाएंगी जब मैं शुरू कर दूंगा। लेकिन जब खराब में आप मौजूद हैं, थोड़ा सा ईमानदार रहे कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। क्या कहने, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और पढ़ता हूं सुने के, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, वाह हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, वो साफ कराया। क्या कहें, शेर अच्छा था, कोई बात नहीं लेकिन शेर अच्छा, मैं ये इतना दिन शेर अच्छा था, लेकिन मैंने अगर फिरोजाबाद से मवाना तक का जो सफर किया है तो ये सिर्फ दो मिसरे पढ़ना सुनना। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को माफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या सच्चा शेर हुआ है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया, ये मैं बहुत एहतराम, आप सभी का एहतराम, आप मेरे लिए सभी काबिल एहतराम हैं, लेकिन एक बहुत अदब के साथ गुजारिश करें, ये गुलपोशी रोक दी जाए। आप अपनी जगह से सुबहाना लगाएं, मुझे अच्छा लगेगा। ये गुलपोशी के हकदार सच मानिए मुझसे ज्यादा आप लोग हैं। अगर आप सन्नाटे में मेरा कितना भी अच्छा शेर सन्नाटे में सुन ले तो किसी की हिम्मत नहीं गुल मुझ तक लेकर आ जाए। मैं गुल आप सबको पेश करता हूं, सुनेगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को माफ कराया।
अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था। क्या कहें, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। एक मतलब और सुने कि अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अजब वो इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। वाह वाह वाह। आप दरअसल मुझे देखने में लग गए, आप सुनने में रहते तो आप दुआएं देते। क्या अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, क्या कहें, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। वाह वाह वाह। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, वाह ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। वाह लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। एक मतलब और सुने, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती, बेशक आपने बहुत अच्छा सुर सुनिएगा खास तौर से, बहुत शुक्रिया, लेकिन उससे ज्यादा आप, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आप सोचे कब हम हटे आप घर जाए। अकेलेपन की जब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला, भाई हाथ खोलिए, हाँ आप तो ऐसे बैठे, आप मुगले आ जाओ हम अनारकली, हाँ आप मिर्जा गालिब, आपको हम ही को सुनना है, आपको आप मिर्जा गालिब थोड़ी जाएंगे आपको सुनाने को, इस दुनिया में नहीं हमें सुनना है जी। सुनिए एक मतलब और पढ़ता, इजाजत है, मतलब सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। वाह मोहब्बतों का, मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे अपने बुजुर्गों के आगे शर्मिंदा होना पड़े, बेशक बस आपको लगे गजल जिंदा है तो मुझे दुआओं से नवाज, सुनना खास तौर सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ। क्या कहने हैं, ठीक है आप अच्छा किया, अच्छे शेर के साथ यही होता है जो आपने किया। अब एक शेर पढ़ता हूँ सुनना, कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूँ, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूँ, ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ, देखो मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। वाह मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, मेरा इम्तिहान लेगा। हालांकि इतने सीधे वो इम्तिहान लेते हुए इतने देते ही रहते हैं, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ, जहीन लोग उसे कहते हैं आपका दरिया, क्या कहें, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूँ, जहीन लोग उसे कहते हैं आपका दरिया। बहुत शुक्रिया, मुझे अफजल मंगलोरी साहब दुआओं से नवाज रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या कहते हैं आपका दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूँ, अभी अभी मैं जिसे एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं एक मतलब पढ़ता हूँ, मनीष भाई ने कहा तरन्नुम में, तो एक मतलब पढ़ता हूँ सुनिएगा, और ये मतलब बता देगा कि मुझे कितनी देर आपकी खिदमत करनी है, अगर आप घर जल्दी जाना चाहते हो तो दाद मत देना, फिर मैं बैठ जाऊंगा, सुनिएगा, वो वक्त बताएगा, वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में, वाह वाह वाह, क्या अच्छा मिसरा है, वाह। मैंने क्या कहा, सिर्फ एक मतलब बताएगा कि मुझे कितनी देर खिदमत करनी है जी, अभी पूरा कहा हुआ है, हाँ ये सिस्टम सुनिएगा, वो दिया भी शामिल था, घर जलाने में, वाह सुन
सुनेगा। राजीव साहब खास तौर से एक मतलब पेश करता हूँ, मुझे दुआएं दें। वो दिया भी शामिल था, वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह, मेरा घर जलाने बहुत खूब, मेरा घर जलाने में हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचा। वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नहीं अभी तो ये जागे हैं आशिम भाई, अभी आपको अपनी नज्म और कुछ कतात और पढ़ने हैं, अभी तो ये जागे हैं जी। हाँ हाँ नहीं वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो दिया भी शामिल था, क्या कहें, मेरा घर जलाने हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने। हैरत में सभी गुल है, ये कैसा गुलाब आया। आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी, पेश करता हूँ। हैरत में सभी गुल है, क्या कहने, वाह वाह वाह, ये कैसा गुलाब आया, वाह ये कैसा गुलाब आया, शर्माए जब उन पे शबाब आया। तो बैठ तो खड़ा क्यों हो जाता है, खड़ा क्यों होता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मजे तो मैं भी ले रहा हूं, मैं भी तो मजे ही ले रहा हूं जी। अच्छा ये जब खड़ा होता है मैं डर जाता हूँ, खैरियत तो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ। बहुत शुक्रिया। शर्माए महो अख्तर, ये शौरा इकराम जो है ना, ये लोग मुझे दाद नहीं देते, मालूम है क्यों, मैं भी नहीं देता। अच्छा मैं इनको कहूं कि दाद दीजिए, सुनिए, जुड़िए, मुझे देखिए, उसका सीधा सा मामला, मैं इनको सुनाने नहीं आया, मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं, तो आपसे तलब करता हूं जी। हैरत में सभी गुल है, एक शेर पढ़ूंगा मवाना वालों, लेकिन मैं चला जाऊंगा, आपकी दुआएं मेरे साथ सफर करेंगे, सुनना। हैरत में सभी गुल है, ये कैसा गुलाब आया, शर्माए महो अख्तर। राजीव साहब प्लीज, ये कैसा गुलाब, मुनीश भाई क्या कहे, साइड हो गया, शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया। सुनेगा, बेपर्दा हुई आंखें, और जिस्म नुमाया आत्माद है, कोई खामोश नहीं बैठेगा, बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है, इस दौरे तरक्की में ये कैसा नकाब आया, इस दौरे तरक्की। एक शेर सुनाता हूं जिसके लिए मैंने आपको इतना ज्यादा शेर सुना दिया, शेर प्रताप सर भाई देखिएगा। इस दौरे तरक्की में मेरी क्या हैसियत कि मैं दावा करूं कि मैं शेर सुना रहा हूं मवाना को,
कोई दावा नहीं, जुर्रत कर रहा हूं और मवाना की दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। इस दौरे तरक्की में ये कैसा नकाब आया, सुनिएगा। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, देखना चाहता हूं कौन खामोश बैठता है, सुनना। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, उस वक्त नजर आए, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, उस वक्त नजर आए, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, घर पी के शराब आया। बहुत शुक्रिया, सलाम आपके समात को सलाम। गजल के चंद शेर और पेश करता हूं, इजाजत है, मतलब सुने खास तौर। बहुत शुक्रिया, बतौर खास। और क्या चाहिए, क्या कहें, अगला मिसरा संभाल लेना। नहीं नहीं, देखिए प्रॉब्लम क्या है, मुनव्वराना साहब ने बहुत अच्छा कहा था कि दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। आज की तारीख में मुझे आसनसोल होना चाहिए था जी, है ना। सुनिएगा, पेश करता हूँ खास तौर से, लेकिन खास तौर से आपसे गुजारिश करता हूँ, 5 से 10 मिनट मुझे दे, सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, और क्या चाहिए। अच्छा, जब तक कार में बिठाने देंगे वापस नहीं आएंगे ये लोग। हाँ, वो देख रहे हैं, जब पलट के देख रहे हो। हाँ, बैठ जाए गाड़ी, बैठ जाए मुमताज का। हाँ हाँ भाई, बैठ गए, अब आ जाओ वापस। आप क्या अलीगढ़ तक छोड़ कर आओगे जी। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ मोहब्बत करता है। चौथी लाइन पे अपनी मोहर लगाना, चौथी लाइन पे अपनी मोहर लगाना, जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप भी कहना चाहते हैं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। वाह 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 वाह, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, जो ना अब तक हुआ बाबा। हाँ, जब सुनते तो बाबा करना पड़ते हैं, जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम। क्या कह रहे, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। वाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन चौथा मिसरा आप पूरा करेंगे, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम।
हम अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। वाह 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 फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी क्या कहना और मेली न हो अब ये गंगा कभी। वाह 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 हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और ना हम किसी से उससे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उनकी मोहब्बत वो जाने, हमारी मोहब्बत हम जाने। मवाना के अच्छे लोग ऐसा नहीं है कि मवाना में खड़े होकर बात कर रहा हूं। आप सर्च कीजिए डीवी टीवी, पाकिस्तान की मीडिया मुझसे पूछती है कि आप हिंदुस्तान में कैसे महसूस करते हैं। मैं वाहिद एक ऐसा शायर हूं जो मुशायरों से ज्यादा कवि सम्मेलन में हूं। उर्दू का शायर होने के बावजूद हिंदी के मंच पर हूं, इसका मतलब ये पूरा मुल्क मोहब्बत चाहता है। बेशक बेशक। मीडिया पूछती है मुझसे कि आप हिंदुस्तान में कैसा महसूस करते हैं, तो मैंने उनसे कहा मैं ठीक वैसा महसूस करता हूं जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आगोश में महसूस करता है। क्या कहने वाह। अरे हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिसने कहा कि तुमको बेजब पानी बहाने की इजाजत नहीं, जिसका रसूल कह रहा हो कि तुम्हें बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं, उसकी उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है। बेशक। खास तौर से शरीक होना पेश करता हूं। अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी और मेली ना हो अब ये गंगा कभी, आइए आज हम मिलके खाएं कसम झुकने देंगे ना हाशिम तिरंगा कभी, आइए आज हम मिलके खाएं। सुनना जिनके हाथों से जो लोग बीच में छोड़कर जा रहे हैं, अल्लाह कर जिस काम से जा रहे हैं उसमें नाकाम हो जाए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, सुनना जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, मैं जितने गुस्से से पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्सा आप में देखना चाहता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह 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 वाह। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई, सुनना न मैं जापान वाला हूं बाबा, न मैं जापान वाला हूं न पाकिस्तान वाला हूं, क्या कहे वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूं, न मैं जापान वाला हूं न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे लेकिन बयान याद रहे। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सिख हो ईसाई। सुनना न मैं जापान वाला हूँ न पाकिस्तान वाला हूँ, वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ, इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं
सदियों से इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ, मैं सदियों से इसी लेता हूँ, मैं हिंदुस्तान वाला हूँ, इसी मिट्टी का बेटा हूँ, मैं हिंदुस्तान वाला हूँ, वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं। क्या कहें, ये खराज अकीदत है जिसकी याद में आज का ये मुशायरा है, मेला है। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े पर जोरदार ताली। मुझे बताएं मेरी शायरी आप तक पहुंच रही है। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सी। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा अच्छा कौन सुनता है। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, यही है आरजू मेरी मैं उनकी धूल हो जाऊं, यही है आरजू मेरी मैं उनकी धूल हो जाऊं। नवाज साहब सभी को नवाज रहे हैं, अल्लाह इन्हें भी नवाजेगा, इसलिए कि शायरों को नवाज रहे हैं जिन्हें कोई नहीं नवाजता, उन्हें नवाज रहे हैं। सुनना खास तौर से, जो मेरे देश के हैं गद्दार, वाह वाह वाह, जो जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे कोई पढ़ा लिखा भी आया था। जो मेरे देश के हैं गद्दार, 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 जो मेरे देश के, जब तक सब ताली नहीं बजाओगे सुबह तक यही लाइन कहूंगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार। आप कब बजाएंगे? नहीं आप नहीं, आपके पीछे। देखिए फिर आप इनको प्रॉब्लम खतरे में डाल रहे हैं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जब आपको ताली बजाना मुश्किल हो रही हो तो आपको ताली बजाने का तरीका बताता हूं। जब आप ताली बजाएं और ना बजाने का मन कर रहा हो तो आप उसमें अपनी दूसरी हथेली में उसको देखें जिसने आपकी शादी जो बिचौलिया था उसको। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो लोग बाइक पर बैठे मेरे भाई वो भी जुड़े मेरे लिए नहीं, इस देश के लिए आपके हाथ खुले, मेरे लिए नहीं, मेरी शायरी के लिए नहीं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है। वाह 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 वाह। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के, अल्लाह करे तेरी कुर्सी टूट जाए, बैठा ही मतलब उनका समर्थन कर रहा जो गद्दार। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो है सुनना, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, मैं जितने अपने ताकत से पढ़ो उतनी ताकत आपकी भी मुश्तक है, आपकी ताई भी मुश्तक है। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रख
रखे इस्लाम वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। स्टेज पर रजनी अपनी मौजूद है, मोनिका मौजूद है, दानिश गजल मौजूद है। मैं ये बंद उनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको लगे मैंने कुछ जुदा कहा हो तो मेरी ताईद करें। सुनना, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम या सीनों में रखे इस्लाम वो हिंदुस्तान छोड़। सुनना, यहाँ हर बेटी सीता है, मवाना ध्यान दे, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज वो हिंदुस्तान छोड़। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, मैंने अभी तक नहीं कहा लेकिन अब कह रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां खूबसूरत निजामत के लिए। बहुत नवाजा। और मैं बहुत शुक्रिया, ये भी नहीं थी नहीं, आप इंटरनेशनल सामने, मैं तो पहली बार आया, दो बार जब ये पढ़ता नहीं था मवाना में। चलिए आपने कहा तो मान लिया, हालांकि मैं मानता नहीं, मैं अकेले ऐसा शायर हूं, किसी की मानता नहीं, अपनी अपनी मानता। आदरणीय राजीव सर बैठे हैं, मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूं, आपने इतना समय हमें दिया, बहुत शुक्रिया। सुनना, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान पलता हूँ। मेरे साथ फिरोजाबाद से मेरे भाई आए, आरिफ साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, राजू कादरी साहब मेरे सामने मौजूद हैं। मैं ये बंद खास तौर से उनके साथ उनको शामिल करता हूँ, उनको शरीक करता हूँ, आप तक पहुंचा। सुनना, बस आपसे इतनी गुजारिश कि मुझे कमजोर कमजोर महसूस ना होने, तो मैं सच, सबसे मुश्किल काम है तो वो सच बोलना, मैं सच बोलकर दिखाता हूँ, सच सुनकर सुना बताएं, पेश करता हूँ। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ जन्नत का नजारा है। क्या कहने, मैंने कभी कहा था कि तू मेरा मुकद्दर, मेरी तकदीर नहीं है। क्या कहें, वो ख्वाब हो जिस ख्वाब की ताबीर नहीं है। हम लोग ना कि हिंद की जन्नत को करें नाज, दुनिया में कोई दूसरा कश्मीर नहीं है। वाह 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 वाह। हम उनको मानने वाले हैं जिनको हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती। बेशक। खास तौर से पेश करता शरीक होना, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मुझे वाक्य याद आता है, आपको तक पहुंचाता हूं। अफजल भाई, एक बार एक मास्टर साहब बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, भूगोल पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब ने क्लास में कहा, मास्टर साहब ने बच्चों के हाथों में हिंदुस्तान के मानचित्र दिए, नक्शे दिए, और मास्टर साहब ब्लैक बोर्ड बता रहे थे, ये है उत्तर प्रदेश, यह है जम्मू कश्मीर, यह है चेन्नई, यह है पंजाब। एक बच्चे ने कहा, मास्टर साहब यह है झारखंड। मास्टर साहब चौंक गए, बोले तुम तो प्लेवे में हो। मास्टर साहब ने हिंदुस्तान के मानचित्र दिए थे, एक बच्चा था उसमें हिंदुस्तान के मानचित्र को फाड़ दिया, यानी कई हिस्सों में तकसीम कर दिए। मास्टर साहब को गुस्सा आया और कहा, क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो हिंदुस्तान के मानचित्र को जोड़ दे। एक बच्चे ने हाथ उठाया, कहा, मास्टर साहब मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूँ। मास्टर साहब ने इजाजत दी, बच्चे ने विदिन मिनट हिंदुस्तान के मानचित्र को तैयार करके मास्टर साहब के टेबल पर रख दिया। मास्टर साहब चौंक गए, हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, तुम तो प्लेवे में हो, तुम तो नर्सरी में हो, तुमको क्या मालूम जम्मू कश्मीर कहाँ है, तुमको क्या मालूम झारखंड कहाँ है, तुमको क्या मालूम मध्य प्रदेश कहाँ है।
तो उस बच्चे के ऐतिहासिक जवाब पर आपसे तालियां मांगता हूं। उसने कहा, मास्टर साहब काम बहुत आसान था। हिंदुस्तान के मानचित्र के पीछे चार तस्वीरें थी, एक हिंदू की, एक मुसलमान की, एक सिख की, एक ईसाई की। मैंने हिंदू को मुसलमान से जोड़ा, मुसलमान को हिंदू से जोड़ा, सिख को ईसाई से जोड़ा, ईसाई को सिख से जोड़ा। मैं एक दूसरे को आपस में जोड़ता गया, खुद बखुद एक मजबूत भारत तैयार हो गया। बेशक बेशक, ये इस मुल्क की खूबसूरती है। आप चाइना, लोग कहते हैं चाइना हमको आंखें दिखा रहा है। अफजल भाई, जिसकी खुद आंखें नहीं है वो हमको आंखें कहां दिखा सकता है। बेशक, क्या खास तौर सुने, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्ला खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहम्मद साहब ने कहा था। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों के टापे कांप जाया करती थी। पेश करता हूं चरी खोना, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मवाना वालों, आप सबने बहुत खूबसूरत मुशायरा सुना। इसके साथ मैं शुक्रगुजार हूँ इस मुशायरे के सदर मोहतरम आली जनाब मोहतरम राजीव कुमार साहब, जो अधिशासी अधिकारी हैं इस नगर पालिका के, तमाम मेम्बरान सभासदगण का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। आइंदा साल फिर किसी हसीन महफिल में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।